हाँ जी मेरे सी एंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा अमेंडमेंट जो आपके अपकमिंग अटेम्प्ट दैट इज सी एंटर लॉ मई 2024 के लिए एप्लीकेबल है। छोटे छोटे दो अमेंडमेंट, माइनर अमेंडमेंट है, बट वो अमेंडमेंट आपको मिलेंगे। दूसरा आरटीपी और एमटीपी का कंप्लीट डिस्कशन आपको मिलेगा। बहुत सारे लोगों का मेरे पास क्वेरीज था कि सर एमटीपी और आरटीपी के अंदर जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है ना, सर कृपा करके उसको समझा दीजिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत प्यार से डिटेल पे, डिटेल कहने का मतलब बहुत ऐसे लंबा नहीं खींचा है, बट एक एक पॉइंट को जस्टिफाई करते हुए आपको समझाया। कुछ एरर्स भी हैं इंस्टीट्यूट के आंसर की के अंदर, उसको भी लॉजिक के साथ करेक्टली आपको बताया है और आपको क्या करना है ये भी इसके अंदर बताया। तो बड़ा फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। आपको इस पे अप्रोच समझ में आएगी कि कैसे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू को सही तरीके से सॉल्व करना है। जब भी मैं इनको सॉल्व करवाता हूँ, मेरा अनुभव हमेशा ये रहता है कि सर देखो आपके साथ जब सॉल्व करते हैं ना तो बहुत मजा आता है सर, एक एक चीज समझ में आती है। जब खुद से सॉल्व करने बैठे थे कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, तो मैंने हमेशा से उनको ये अप्रोच दी है और इस वीडियो के अंदर भी मैंने उसी अप्रोच से आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाया। अगर एमसीक्यू मान लो एक पेज का है तो उसके जितने भी मेन एक्सट्रैक्ट है, उसके जो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट है, मेन मटेरियल कंटेंट है, वो मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ। लिखो कंपनी का नाम, लिखो ये पार्टनर है, लिखो ऐसा है, लिखो ऐसा है, ये पेड अप शेयर कैपिटल है, अब एमसीक्यू पढ़ो। तो सारा डेटा आपके पास है, उसके बाद आपको एमसीक्यू पढ़ना है और उसके बाद आंसर आपका करेक्ट ही आएगा, क्योंकि आपने ये देख लिया कि प्राइवेट है कि लिमिटेड है, आपने पेड अप शेयर कैपिटल देख लिया, आपने टर्नओवर देख लिया, आपने ये देख लिया कि वो होल्डिंग सब्सिडियरी है कि नहीं, आपने उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का स्टेटस देख लिया। तो सारा कुछ आप जब लिख के बाहर निकाल लेते हो ना तो पूरा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है। इसी अप्रोच से मैंने इस क्लास के अंदर आपको पूरा आरटीपी एमटीपी सॉल्व करवा के लिया है। बहुत मजा आएगा आपको, एंजॉय करिएगा इसको और आप भी यही अप्रोच फॉलो करिएगा। इससे आपका कभी भी कोई भी प्रैक्टिकल केस स्टडी वाला क्वेश्चन या प्रैक्टिकल केस स्टडी वाला एमसीक्यू कभी भी गलत नहीं हो सकता, अगर आप फैक्ट्स को राइट डाउन कर लेंगे रफ पेपर में और उसके बाद आंसर करेंगे। क्योंकि फैक्ट जब इतने क्लियर हो जाएंगे, जब आप लिखोगे कि हाँ ये लिमिटेड है तो ध्यान आएगा पब्लिक कंपनी है, फिर देखोगे कि होल्डिंग सब्सिडियरी तो नहीं है, ये सब दिमाग में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप आंसर करोगे तो आंसर सही आएगा। तो यारो और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है, ये चैनल आपके तैयारी में चार चांद लगवा देगा, ये याद रखना। ये तो बस एक छोटी सी झलक है मेरी आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट की, ना जाने एग्जाम तक मैं आपको एग्जाम के लिए सपोर्ट करने के लिए क्या क्या देने वाला हूं। तो कृपा करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक करें और जाते जाते सी एस अर्जुन छाबड़ा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है उस पर जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि YouTube कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दे देता है, तो मैं पहले से ही Instagram के अंदर अपडेट दे देता हूँ कि आज शाम को या रात को मेरी कौन सी वीडियो आने वाली है, कौन से टॉपिक में आने वाली है। तो यदि अगर YouTube आपको नोटिफिकेशन नहीं भी देता है, क्योंकि तीन ही नोटिफिकेशन देता है 24 घंटे के अंदर, तो आपको वहां से इसका अपडेट मिल जाए। जो भी मटेरियल मैंने इस्तेमाल किए हैं इस लेक्चर के अंदर, वो सारे मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक और उसका नाम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंजॉय द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हाँ जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने आरटीपी से। आरटीपी अपने को क्या कहता है कि भाई अपने पास दो अमेंडमेंट है। कितने अमेंडमेंट है? दो। अच्छा, कोई विशेष अमेंडमेंट नहीं, हमने उसको पढ़ा हुआ है, उस पर एक ही चीज उन्होंने एक्स्ट्रा बताई। क्या बताई मैं आपको बता देता हूँ। आपने मेरे से चैप्टर नंबर 23 पे सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 3 पे सेक्शन नंबर 23 पढ़ा होगा, जिसपे ये बताता है कि अगर पब्लिक कंपनी है और उसको फंड रेज करने हैं तो एक होता है पब्लिक के पास जाए, प्रोस्पेक्टस इशू कर ले, प्राइवेट प्लेसमेंट कर ले, या राइट इशू और बोनस इशू है। और यही अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के लिए भाई एक प्राइवेट प्लेसमेंट है, राइट इशू है और बोनस इशू है, ये सारी बातें। तो चलो सबसेक्शन नंबर 1 और सबसेक्शन नंबर 2 पे क्या हो जाती है, कवर। सबसेक्शन नंबर 3 अपने को पहले भी था, अभी भी है, फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। सेक्शन नंबर 23 का जो सबसेक्शन नंबर 3 है वो कहता है कि देखो कुछ क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, बोलो कौन सी कंपनी, कुछ क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, बरोबर। और फिर कहता है मैं इशू सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटी को क्या करेगी, इशू क्लास ऑफ सिक्योरिटी को क्या करेगी, इशू किस पर्पस के लिए, बोले फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग इन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन फॉरेन जुरिस्डिक्शन। तो सरल शब्दों में बोलू, फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। अरे हेलो,
बराबर है क्या? एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सरल शब्दों में अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहता है कि कुछ क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी की कुछ क्लास ऑफ सिक्योरिटी को क्या किया जाएगा? प्रिस्क्राइब, जो अपने आप को लिस्ट करने के पर्पस से फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में इन सिक्योरिटी को क्या कर सकती है? लिस्ट, यानी कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो अपने आप को क्या करवाना चाहती है? लिस्टेड। तो उसके लिए हम बता देंगे कि ये क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी ये क्लास ऑफ सिक्योरिटी इश्यू करके फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो सकती है? लिस्ट हो सकती है, पहली बात। फिर दूसरा कहता है कि उनके आप फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो? लिस्टेड हो। एवरीबॉडी, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो आप? लिस्टेड हो। तो कहता है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देके कोई भी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी, जिसकी अपन ने बात किधर की है, सबसेक्शन नंबर 3 में, उसको एग्जेम्प्ट कर सकती। कौन कौन से प्रोविजन से? सबसे पहले सेक्शन नंबर कौन सा? 89, जो बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर, बताना पड़ता है। तो कहता है ठीक है, इससे एग्जेम्प्शन दे देंगे, एसबीओ से एग्जेम्प्शन दे देंगे, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, और 127 की 30 दिन के अंदर आपने जब से डिविडेंड डिक्लेयर किया वहां से 30 दिन में आपको क्या करना है? पेमेंट। क्योंकि भाई फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अगर आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, वहां के लोग खरीद रहे हैं, तो वहां कहां तुम देखते बैठोगे रजिस्टर्ड ओनर कौन, बेनिफिशियल? ये तो हम इंडिया वालों लोगों के लिए देखते हैं ताकि वो रेवेन्यू ना चुराए, ठीक है। 90 की बात करें एसबी, और 127 की बात करें कौन सा, जो 30 दिन के अंदर अपने को क्या पे करना होता है? डिविडेंड। तो कहता है उनको वो क्या कर सकती है? एग्जम। क्या कर सकती है? नोटिफिकेशन पास करके, क्या करके? नोटिफिकेशन पास करके एग्जम कर सकती है। अब ये दोनों ही सबसेक्शन पहले भी था, अरे हाँ, दोनों ही सबसेक्शन पहले भी था, अभी भी दोनों ही की दोनों सबसेक्शन है। बस पहले ये बोला था कि ये दो सबसेक्शन को हमने बस बनाया था, इफेक्ट में नहीं लाया था। बोले बस अब हमने इसको इफेक्ट में लिया है, कहां से? 30 अक्टूबर 2023 से। आपके कंसेप्ट बुक में पहले भी लिखा हुआ था, अभी भी लिखा है, बट 30 अक्टूबर 2023 तक वो लागू नहीं हुआ था, कमेंस नहीं हुआ था, इनएक्ट हो चुका था। अब वो क्या हो चुका है? कमेंस, यानी कि आज नहीं तो कल सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के वो क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी बताएगी, वो क्लास ऑफ सिक्योरिटी बताएगी, जिससे आप अपने फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो सकते हो? लिस्ट। और कौन कौन सी कंपनी को इन सेक्शन नंबर 89, 90 और 127 का क्या है? एग्जम्पशन। दैट्स इट, कूल। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं, चैप्टर नंबर कहां पे? 7 पे। चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 पे ही आपने एक सेक्शन नंबर 89 पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। 89 कहता है डिक्लेरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ओनर और डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनर। तो अगर याद होगा, जो बेनिफिशियल ओनर होता था उसको बोलते थे कि भाई तू MGT 4 पे दे, और जो रजिस्टर्ड ओनर होता था उसको बोलते थे कि तू MGT 5 पे दे। क्या डिक्लेरेशन याद आ रहा है? तो अपन ने इतना ही पढ़ा कि भाई MGT 4 पे क्या देना है? 30 दिन के अंदर डिक्लेरेशन, MGT 5 में 30 दिन में डिक्लेरेशन। फिर कंपनी क्या करती है, जैसे ही कंपनी को मिला, कंपनी यार उसी को बताती है नोट करके, बराबर। अब कहता है ये तो अपनी जगह सही है, अपनी जगह क्या है? सही है, कोई दिक्कत वाली बात। आगे की कुछ चीजें इस पे ऐड की गई, क्या ऐड की गई मैं आपको बताता हूं। कहता है अब कंपनी को ना एक पर्सन डेजिग्नेट करना पड़ेगा अलग से, अब कंपनी को एक पर्सन डेजिग्नेट करना पड़ेगा अलग से। अलग से का मतलब क्या है कि भाई अब ROC के पास एक डेजिग्नेटेड पर्सन होगा, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, जिससे ROC पूछेगा ए भाई कौन है रजिस्टर्ड ओनर, ए भाई कौन है बेनिफिशियल ओनर। तो ये पर्टिकुलर पर्सन जिसको डेजिग्नेट किया ये बताएगा कौन है करके, यानी कि इसके लिए आपको एक अलग से पर्सन डेजिग्नेट करना पड़ेगा, जिससे हम बेनिफिशियल ओनर और रजिस्टर्ड ओनर के बारे से पता कर पाए। तो आओ मैं आपको बताता हूं हम क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता है रूल नंबर 9 जो आपने पढ़ा है ना, MGT 4 MGT 5 पढ़ा है, ये रूल नंबर 9 पे लिखा है। मैं पूरा रूल नंबर 9 आपके लिए निकाल के लाया हूं, ताकि आपको पीछे की चीजें भी लिंक हो और आगे की चीजें भी लिंक हो। तो बताना क्या चाहता हूं, समझना। रूल नंबर 9 के अंदर 3 सब रूल थे, कितने रूल थे? 3 सब रूल, अभी पढ़ाऊंगा 3, उसके बाद इनने ऐड किया 4, 5, 6, 7 और 8। 4, 5, 6, 7, 8, 5 सब रूल क्या कर दिए? ऐड। बोलने के लिए 5 है, बाकी इनके जीवन में कुछ नहीं रखा है। आइए तो सबसे पहले मैं आपको रूल दिखा देता हूं, रूल नंबर क्या पढ़ रहे अपन? 9। क्या पढ़ रहे बोलो? 9 पे अपने को बताया है डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर्स। तो आओ एक करके पढ़ते हैं। देखो कहता है पर्सन जिसका नाम कहां पे इंटर्ड है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज द होल्डर ऑफ शेयर्स, लेकिन वो डज नॉट होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट
यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड ओनर। तो कहता है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे तो है लेकिन वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं होल्ड कर रहा, यानी कि आरओ है, क्या है, लेकिन बेनिफिशियल ओनर नहीं है। तो पहला वाला किसको बोल रहा है कि तू रजिस्टर्ड ओनर तो है लेकिन तू फायदे तो नहीं उठाता। तो कहता है तेरे को एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, किसके पास, कंपनी के पास, कौन से फॉर्म में, MGT-4 में, विद इन अ पीरियड ऑफ कितना, 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो भैया पहला वाला तो ये कवर हो गया, तुम रजिस्टर्ड ओनर तो थे लेकिन बेनिफिशियल ओनर नहीं थे, तो आपको एमजीटी क्या देना पड़ेगा, फोर, सॉरी किसको देना पड़ेगा, कंपनी को, और कंपनी फिर एमजीटी 6 पे देगी, बरोबर है। एमजीटी 4 किसको देना पड़ेगा, कंपनी को, 30 days ऑफ बिकमिंग व्हाट, 30 days ऑफ बिकम आरओ, बरोबर है क्या, यहां तक की चीजें क्लियर है, अरे आर यू श्योर, ठीक है। फिर कहता है चेंज आएगा तो भी आपको बताना है, उसको जाने देते हैं। नीचे आते हैं किस पे, 2 के अंदर, किसके आते हैं, 2, और रूल नंबर 1 था, रूल 9 का सब रूल नंबर 1, ये सब रूल नंबर क्या है, 2, क्या क्या, कंपनी, सरल शब्दों में बोलूं तो आप क्या हो, बेनिफिशियल ओनर हो लेकिन आप क्या नहीं हो, रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो। तो कहता है होल्ड कर रहा है एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग डिक्लेरेशन और अक्वायरिंग क्या, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो सरल शब्दों में यही समझना कि वो क्या है, बेनिफिशियल ओनर है लेकिन रजिस्टर्ड ओनर नहीं है। तो कहता है तू किस पे देगा, MGT-5 पे, MGT-5 पे ये किसको देगा, ये भी कंपनी को देगा, कितने दिन में देगा, 30 days, जब से क्या बना है, बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। अब कहता है जैसे ही किसके पास रिसीव होगा, तीसरा वाला किसके पास रिसीव हुआ, कंपनी के पास, कंपनी उसका क्या बनाएगी, एक नोट, और यही डिक्लेरेशन आरओसी किसको फाइल करेगा, 30 दिन के अंदर, सॉरी कंपनी किसको फाइल करेगा, 30 दिन के अंदर, आरओसी को। तो रजिस्ट्रार इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिक्लेरेशन, कौन सा, MGT-6, क्लियर है। तो रूल 1, रूल 2, रूल 3 एक बार अलग से लिख भी लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, क्या पढ़ रहे बताएंगे अपन, बोलो फटाफट। रूल नंबर 9, वो भी किसका, हमने जो क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 89 पढ़ा था, उसके संबंध में अपन क्या पढ़ रहे, रूल नंबर 9 की बात है, उसके संबंध में जो अपन रूल नंबर 9 पढ़ रहे, उसका पहला रूल था किसके लिए था, कि भाई आप रजिस्टर्ड ओनर तो हो लेकिन आप बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर कोई और है। तो कहता है आप डिक्लेरेशन दोगे, किसको दोगे डिक्लेरेशन, कंपनी को, एमजीटी किस पे, 4 पे दोगे, कितने दिन में दोगे, 30 days, 30 days कहां से, जब से आपने आरओ बनाए। फिर दूसरा कहता है अपने को, क्या कहता है दूसरा, कि आप क्या हो, बीओ हो लेकिन आप आरओ नहीं हो। तो कहता है अब ये दूसरा वाला रूल आपको कहता है कि आप एमजीटी क्या दोगे, 5 दोगे, कितने दिन में, 30 days में, किसको दोगे, कंपनी को दोगे। और तीसरा वाला कहता है कि कंपनी को क्या रिसीव हुआ, जैसे ही कंपनी को रिसीव हुआ MGT-4 और MGT-5, किससे रिसीव होगा, यही दोनों से, ये किसको रिसीव हुआ, कंपनी को। अब कंपनी को जैसे रिसीव हुआ, कंपनी इस चीज का क्या करेगी, नोट करेगी, और नोट करके कंपनी बताएगी किसको, आरओसी को, MGT-6 के अंदर। यहां तक की चीजें अपने को क्लियर है, ये तो अपन पहले भी पढ़ रखे हैं, बराबर। अब अपने पास जो ऐड किया वो क्या ऐड किया है, 4, 5, 6, 7, 8, इनको क्या किया गया है, ऐड। ये पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो रिक्वायरमेंट अभी क्या की गई है, ऐड। और पूरे के पूरे 4 से लेके कहां तक, 8 में एक ही व्यक्ति की बात की है, कि ये जो बताने की बात है ना, एक डेजिग्नेटेड पर्सन होगा जो आरओसी से ये कम्युनिकेशन करेगा, बरोबर है, एक डेजिग्नेटेड पर्सन होगा जो आरओसी से ये सारे क्या करेगा, कम्युनिकेशन। आओ समझ के लेते हैं। तो देखो मैं वापस से किस पे चलता हूं, रूल्स पे, किस पे चलते राजा। अब आता है देखो ये 4, 5, 6, 7 और ये 8, बरोबर है क्या, ये पहले नहीं था, ये अभी अभी क्या किया गया है, ऐड किया गया है, बरोबर है क्या। तो ध्यान से सुनना, लिखता क्या है, हर कंपनी को क्या करता है, हर कंपनी को एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, डेजिग्नेट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर फर्निशिंग एंड एक्सटेंडिंग कॉपरेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार और एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर विद रिस्पेक्ट टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी। सपोज करिए अब इस रिक्वायरमेंट में कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी को डेजिग्नेट कर दिया कि बोले कंपनी सेक्रेटरी रूल नंबर 9 का सब रूल नंबर 4 बोला है कि एक व्यक्ति को क्या करना है, डेजिग्नेट। अब तू डेजिग्नेटेड व्यक्ति है, क्या है, तू डेजिग्नेटेड व्यक्ति है, अब तू क्या है, रिस्पॉन्सिबल है,
तेरी जिम्मेवारी है कि तू फर्निश करेगा, और तेरे को जो जो कॉपरेशन मांगेगा कौन, इन्फॉर्मेशन मांगेगा कौन, आरओसी या कोई अदर ऑथराइज ऑफिसर कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट कौन है, तो अब तू जिम्मेवार रहेगा, तू बताएगा उसको। बरोबर है, आर यू श्योर? फिर कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सब रूल नंबर 4, द कंपनी मे डेजिग्नेट किसको, कंपनी सेक्रेटरी को, अगर उस कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है इस एक्ट के अंदर। तो सर मान लीजिए, सर मान लीजिए कंपनी सेक्रेटरी नहीं है सर उस कंपनी में, ऐसे एक्ट में कंपलसरी सिर्फ हर कंपनी को थोड़ी है, लिस्टेड कंपनी को क्या है कंपलसरी, लेकिन अगर उस कंपनी को इस एक्ट के अंदर सीएस अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है तो बोले किसको, तो बोले अकी मैनेजेरियल पर्सनल अदर देन कंपनी सेक्रेटरी। तो बोलता भी देखो ना तो आपकी कंपनी में क्या है कंपनी सेक्रेटरी, ना तो आपकी कंपनी में क्या है की मैनेजेरियल पर्सनल, तो बोले फिर सारे के सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है। आर यू श्योर? तो 3 और 4 भी हमारा क्लियर हो गया। तो देखो अपने को सबसे पहले अगर मैं बोलू, 4 क्लियर हुआ अपना, क्या क्लियर हुआ बोलो, तो 4 अपने को क्या बोलता है, आओ तो समझ के लिए, 4 अपने को कहता है कि हर कंपनी को, किसको, हर कंपनी को, एवरी कंपनी को क्या करना है, डेजिग्नेट करना है, क्या करना है, डेजिग्नेट करना है किसको, एक पर्सन को। ये पर्सन जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल, किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा एक तो फर्निश करने के लिए और सहायता के लिए, कि भाई एक्सटेंड करेगा क्या, कोऑपरेशन, एक्सटेंड करेगा क्या, कोऑपरेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन भी देगा किसको, इंफॉर्मेशन भी देगा किसको, आरओसी को या अंदर ऑथराइज पर्सन, आरओसी प्लस अदर ऑथराइज्ड पर्सन, बरोबर है क्या, आरओसी को भी और अलग ऑथराइज पर्सन को भी, किस संबंध में, इन रिगार्ड टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इन रिगार्ड टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, इन रिगार्ड टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द, तो भाई तू बताएगा कौन है करके, बराबर, ठीक है। ये हो गया कौन सा वाला, 4। 4 के बाद मैं किधर चलता हूं, 5 में। तो कहता है 5 के अंदर क्या करता है, कहता है बोले, कहता है इस पर्पस के लिए, 4 के लिए कंपनी चाहे तो डेजिग्नेट कर सकती किसको किसको। तो सबसे बोलता है कि फॉर सब रूल 4, फॉर सब रूल 4, सब रूल 4 के लिए कंपनी में डेजिग्नेट, क्या बोलता है, कंपनी में डेजिग्नेट किसको डेजिग्नेट कर सकते हैं, तो बोले सबसे पहले किसको, सीएस को, बरोबर। फिर दूसरा कहता है केएमपी, बराबर। तीसरा कहता है एवरी डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो, इफ देयर इज नो सीएस एंड केएमपी, पक्की बात है क्या, ठीक है, तो आप इनको कर सकते हो। तो बोला पहले बात तो बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, डेजिग्नेट। अब अच्छी बात यह है यहाँ पे क्या बोला, कंपनी में डेजिग्नेट, कंपनी चाहे तो सीएस को कर दे अगर सीएस है तो, नहीं केएमपी को कर दे अगर केएमपी है तो, कहते ये दोनों भी नहीं है तो हर डायरेक्टर को जिम्मेवार ठहराओ। अरे क्या कह रहा हो, हर डायरेक्टर को क्या ठहराओ, जिम्मेवार। तो देखो यहाँ पे ऐसे ही कह रहा है एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और केएमपी, और यहाँ पे क्या लिखा है, मे, तो राजा मे का मतलब समझ के लेना कि कोई कंपल्शन नहीं कि सीएस को ही बोलोगे केएमपी को ही बोलोगे, और या तो हर डायरेक्टर को, आप कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बोल सकते हो, आप कंपनी के किसी ऐसे प्रोफेशनल को बोल सकते हो जो पिछली कंपनी के 10 साल से जुड़ा हुआ है, बरोबर है, एक प्रकार का मैनेजर का रोल कर रहा है, ना वो सीएस है ना वो सीए है ना वो केएमपी है, ही इज जस्ट मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे गलती से मत समझना कि इनमें से ही किसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, डेजिग्नेट, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है, मे, शैल वर्ड यूज नहीं किया कि इनमें से ही किसी को करना है, इनमें से किसी को कर सकते हो, हेलो, इनमें से किसी को कर सकते, इनमें से ही करना है नहीं, कर सकते हो, मे डेजिग्नेट, क्योंकि आपने ऊपर क्या बोला कि एवरी कंपनी शैल डेजिग्नेट अ पर्सन, अब वो पर्सन कोई सा भी हो सकता है। फिर उनने एक प्रकार से मैं कह सकता हूं सब रूल 5 में एक सजेशन दिया है कि आप चाहो तो इनको भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो, डेजिग्नेट कर सकते हो। यहां तक की चीजें क्लियर है? तो अगर मैं बोलू यहां पे मे का मतलब आपको समझा, बोले या तो कौन सीएस या तो कौन केएमपी, तो बोले या तो एवरी डायरेक्टर अगर कोई सीएस और केएमपी नहीं है तो। आर यू श्योर? मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं,
थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो मेरे को पता चलता है किस पे, सब रूल नंबर 6 कहता है जब तक कोई पर्सन डेजिग्नेट नहीं हो जाता, कहां पे, सब रूल नंबर 4 पे, बोले जब तक डेजिग्नेट नहीं होता तो 1, 2, 3 ये क्या रहेंगे, माना जाएगा कि डेजिग्नेट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डेजिग्नेटेड पर्सन। पहला कौन, कंपनी सेक्रेटरी, अगर है तो आर यू श्योर, ठीक है। फिर कहता है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन केस अ कंपनी सेक्रेटरी हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, और कहता है एवरी डायरेक्टर इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी और अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजर, सिंपल। तो मैं अगर यहां पे वापस से लिखता हूं किस पे, 6 के अंदर, किसके अंदर, 6 के अंदर कहता है डीम्ड डेजिग्नेटेड पर्सन, सीधा बोलो ना, डीम क्या है, डेजिग्नेटेड पर्सन, until appointed, until designated बोलो, until क्या बोलो, designated कहां पे, under sub rule number 4। तो 4 के अंदर जब तक आप किसी person को क्या नहीं कर देते designate, तब तक मैं क्या मानूंगा, deem designated। तो सबसे पहले किसको बोला, CS को। फिर कहता है every managing director और manager, every managing director और manager, ठीक है, if there is no CS, if there is no CS। फिर तीसरा कहता है every director, every director, ये कब, if there is no CS and no MD or manager, are you sure दोस्तों, ठीक है। 7 और 8 तो मजाक कर देगा, 7 और 8 क्या कर देगा, मजाक, कैसे मजाक करता है आओ समझते हैं। 7 कहता है हर कंपनी को इन्फॉर्म करना है डिटेल्स ऑफ डेजिग्नेटेड पर्सन इन एनुअल रिटर्न। तो सरल शब्दों में बोलूंगा तो सेक्शन नंबर 92 के जो अपन ने पर्टिकुलर्स पढ़े थे कि डिटेल्स बताते हो अपनी होल्डिंग की, सब्सिडरी की, कितनी बार मिले, कितने डिबेंचर, उस पर एक कंटेंट और ऐड कर लो कि ये हमारी कंपनी का क्या है, डेजिग्नेटेड पर्सन, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 89 रीड विथ रूल नंबर 9। क्या तुम मेरे साथ हो? तो अगर मैं 7 वाला पॉइंट बोलूं तो कहता है कि भैया एनुअल रिटर्न में क्या करना है, डिस्क्लोज, एनुअल रिटर्न में क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, क्या, डिस्क्लोज नेम किसका, डेजिग्नेटेड पर्सन का। और 8 कहता है, क्या कहता है, 8 अपने को कहता है कि इफ द कंपनी चेंजेस, क्या करती कंपनी, चेंज करती है क्या, डेजिग्नेटेड पर्सन एट एनी टाइम, वो इंटीमेट करेगी सेम किसको, रजिस्ट्रार को, ई फॉर्म नंबर GNL2 पे। सर ये कौन से नए जमाने का फॉर्म आ गया, तो मैं बताता हूं, जहां जहां पे भी लॉ मेकर ने स्पेसिफिक फॉर्म नहीं दिए, वहां वहां पे जहां उनको लगा कि यार इसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए भी तो एप्लीकेशन है, तो जहां जहां समझ लो वो भूले हैं, वहां पे GNL है। और बताऊं GNL1 कहां लगता है, तो 2 है। ROC को जब तुम एनुअल जनरल मीटिंग के लिए मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन मानते हो, तब उस पर एप्लीकेशन जाता है GNL1 के अंदर, बराबर, जनरल पर्पस, क्या पर्पस, जनरल पर्पस। तो अगर तुमने डेजिग्नेटेड पर्सन में क्या किया, अगर चेंज, तो आप इसको बताओगे GNL2 के अंदर, बराबर है क्या, ये जनरल पर्पस के लिए। तो आओ बताता हूं मैं यहां पे क्या लिखा है, कि क्या कहता है, इफ चेंज, क्या होता है, चेंज है किस पे, DP पे, किसको बताओगे, ROC को, किस पे, GNL2 के अंदर। क्लियर है क्या दोस्तों, दैट्स इट। तो अगर मैं नटशेल में कंक्लूड करना चाहूं तो MGT4 और MGT5 तो कंपनी को दे रहे हो, फिर कंपनी नोट करके MGT6 किसको दे रही है, ROC को, यहां तक की तो चीजें क्लियर थी एकदम। फिर 4 पे कहता है एक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, डेजिग्नेट करना पड़ेगा, जो कि क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ फर्निशिंग, एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन एंड फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, या तो ROC को या तो अदर ऑथराइज्ड पर्सन, क्या तुम मेरे साथ हो, फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। और क्या है कि कंपनी चाहे तो CS को, वो नहीं है तो KMP को, दोनों नहीं है तो हर डायरेक्टर। फिर कहता है 6 कि कहता है अगर 4 के हिसाब से अभी तक आपने डेजिग्नेट किया, तो जब तक आप डेजिग्नेट नहीं करते हो तब तक के लिए CS नहीं है तो KMP, सॉरी CS नहीं तो एवरी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। और कहता है ना CS है, ना MD है, ना मैनेजर है, तो हर क्या रहेगा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और आपको अपने एनुअल रिटर्न में इसको डिस्क्लोज करना है कौन डेजिग्नेटेड पर्सन है। और लास्ट का कहता है कि अगर मान लो कोई चेंजेस आते हैं तो चेंजेस आपको ROC को बताना है GNL2 के अंदर। क्लैरिटी है दोस्तों, दैट्स ऑल अबाउट, अब तक का आपका ताजा हो गया सब कुछ, बरोबर है क्या, यही बचा था। अब अपन शुरू करते हैं कहां पे, RTP पे।
आरटीपी अपने को क्या कहता है, ध्यान से समझना कि अपने को कुछ क्वेश्चन दिए, यहां से आपके एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं। पेन कॉपी रेडी रखिए, जो जो डेटा मैं बोलते जाऊंगा उसको लिखते जाइएगा, ताकि आपको जब एमसीक्यू सॉल्व करना होना तो आपको इजी रहे, बराबर, क्योंकि एमसीक्यू आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, बराबर। तो एक एक शब्दों को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद एमसीक्यू को आंसर करने की कोशिश करना। चलिए बात को ध्यान से समझना फटाफट। कहता है गोल्डन लिमिटेड है, क्या है? गोल्डन लिमिटेड। गोल्डन लिमिटेड कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी, बरोबर। तो लिखते जाना, गोल्डन लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। तो ऐसे लिखना गोल्डन लिमिटेड, फिर लिखना लिस्टेड, फिर लिखना इनकॉर्पोरेटेड इन 2013। मैं समय ज्यादा दूंगा नहीं लिखने के लिए, तो शॉर्ट शॉर्ट में लिखना, क्योंकि हमको एमसीक्यू के पर्पज के लिए अपन ये कर रहे हैं, बरोबर है क्या? ठीक है, आरओ कर लो दिल्ली में, ठीक है, और सीओ कर लो नोएडा पे, ठीक है। आरओ कर लो कहां पे? दिल्ली पे, और सीओ कर लो कहां पे? नोएडा पे, बरोबर, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं इसको फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं, कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी किस पे है, कंस्ट्रक्शन में है, बिल्डिंग रोड ये सब बनाती है, इसको भी जाने देते हैं। 8 जनवरी 2022 का एक डेट डालो और उस पर लिखो कि इस कंपनी ने एक होली ओन सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की, जिसका नाम क्या है? डी लिमिटेड। जिसका नाम क्या है? डी लिमिटेड। तो गोल्डन लिमिटेड जो है उसने होली ओन सब्सिडरी क्या की है? इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम क्या है? राजा। डी लिमिटेड जो किस पे इन्वॉल्व है, तो बोले वो इन्वॉल्व है किस पे, सब ये मत लिखना कि किस पे इन्वॉल्व है, बस बनाई है और देख लेना कि वो स्टील और ये सब रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, बराबर है। अब इसका जो फाइनेंशियल ईयर है, किसका फाइनेंशियल ईयर? डी लिमिटेड का। किसका बोलो? डी लिमिटेड का। डी लिमिटेड का पहला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनने अपना जो फाइनेंशियल ईयर लिया है 8 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 2022 है, तो फाइनेंशियल ईयर लिख लो इनका डी लिमिटेड का। ये गोल्डन लिमिटेड का नहीं है, किसका है? डी लिमिटेड का ये फाइनेंशियल ईयर है, 1 जनवरी 22 से लेके 8 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 22 तक। क्लियर है क्या दोस्तों एवरीबॉडी? ये उनने अपना पीरियड चूज किया, क्या चूज किया है? पीरियड, कि भैया फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 8 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 2022। क्लियर है क्या? अब कहता है 2 जनवरी 2022 को गोल्डन लिमिटेड ने एक और कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, अ न्यू होली ओन सब्सिडरी ई लिमिटेड। तो सेकेंड डेट डाल लो 2 जनवरी 2022, 2 जनवरी 2022 को नया कंपनी आ गया, जिसका नाम क्या है बोलो? ई लिमिटेड। क्या है बोलो? अच्छा, ऊपर वाली भी होली ओन सब्सिडरी थी डी लिमिटेड, नीचे वाले भी क्या है? होली ओन सब्सिडरी, जो कि क्या है? ई लिमिटेड। क्लैरिटी है यहां तक की चीजों की? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जीवन में। फिर कहता है कि 5 जनवरी को, नेक्स्ट डेट डाल लो, एक अपनी डेट आ गई है 8 जनवरी वाली, एक डेट आ गई है 2 जनवरी, अब और डेट क्या आ रही है? 5 जनवरी। बोलो क्या आ रही है? 5 जनवरी। तो 8 जनवरी को बनाया किसको? डी लिमिटेड को। बोलो 2 जनवरी को बनाया किसको? ई लिमिटेड को। और 5 जनवरी को कहता है कि गोल्डन लिमिटेड, इसकी जो सब्सिडरी है ना ई लिमिटेड, कौन सी है? 2 जनवरी को बनाया, 5 जनवरी को गोल्डन लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी के थ्रू, ई लिमिटेड के थ्रू 100% क्या ले लिया है? 100% पार्टनरशिप इंटरेस्ट ले लिया है एक्स वाई जेड एन कंपनी पार्टनरशिप फर्म पे, बरोबर। तो ये भी डेट डाल दो कि 5 जनवरी को गोल्डन लिमिटेड ने ई लिमिटेड के माध्यम से 100% पार्टनरशिप इंटरेस्ट ले लिया, किस पे? एक्स वाई जेड एन कंपनी पार्टनरशिप फर्म पे, बरोबर है। डेटा आपको क्लियर होते जा रहे हैं। मैं नटशेल पे बताना चाहता हूं, सबसे मेन कंपनी जो कौन सी है, वो है गोल्डन लिमिटेड, जो 2013 पे इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो लिस्टेड है। फिर उसने 8 जनवरी को एक होली ओन सब्सिडरी बनाई डी लिमिटेड, बराबर है क्या? उसका फाइनेंशियल ईयर 8 जनवरी 22 से लेकर 31 मार्च 2022। फिर 2 जनवरी को एक और होली ओन सब्सिडरी बनाई ई लिमिटेड, और 5 जनवरी को इसी कंपनी के माध्यम से 100% की पार्टनरशिप किसमें ले ली है? एक्स वाई जेड एन कंपनी पार्टनरशिप फर्म। यहां तक की चीजें क्लियर है। और ई लिमिटेड जो है कौन है? वो चूज कर रही है कि वो अपना पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगी, वो बनाएगी 2 जनवरी 22 से लेके 31 मार्च 23 तक, बरोबर। तो आप ये ई लिमिटेड का लिख लो, किसका? ई लिमिटेड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो भी कौन सा वाला? पहला। कौन सा वाला बोलो? पहला फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा वो 2 जनवरी 2022 से लेके 31 मार्च 2000 कहां तक रहेगा? 23 तक। क्लैरिटी है यहां तक की? एवरी वर्डिंग बढ़ू जीवन में आगे।
और कहता है कंडक्टेड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग कहां पे, 16 अगस्त 2023। तो सही किया है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से, पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होने से कितना समय मिलता है, 9 महीने। तो इसको तो भैया दिसंबर तक का टाइम था, इसने कब कर लिया एनुअल जनरल मीटिंग, 16 अगस्त को, बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ की ना। चलिए फिर आता है 1 जुलाई 2022, लिखेंगे डेट 1 जुलाई 2022, बराबर है 1 जुलाई 2022 लिखा। इसमें लिखेंगे जो डी लिमिटेड थी ना, कौन सी कंपनी डी, जो कब इनकॉर्पोरेट हुई थी 8 जनवरी को, इसने अपनी एक सब्सिडरी बनाई 1 जुलाई 2022 को, इसने इनकॉर्पोरेट की अपनी सब्सिडरी जिसका नाम क्या है, एफ लिमिटेड। ये गोल्डन की सब्सिडरी नहीं है, ये गोल्डन की सब्सिडरी की क्या है, सब्सिडरी। तो जो डी लिमिटेड है उसने अपनी एक सब्सिडरी बनाई, कौन, एफ लिमिटेड, कौन से साल पे, 1 जुलाई 2022, बराबर है, यानी कि 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर के, इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होगा 2023 को, बराबर है, आर यू श्योर। चलिए जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहता है गोल्डन लिमिटेड प्रिपेयर कर रहा है अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 21-22। ये तो 2013 की कंपनी है ना, तो ये अपना पहले तो क्या देगा, स्टैंड अलोन, लेकिन याद करो सेक्शन नंबर 129, स्टैंड अलोन से काम चलने वाला, स्टैंड अलोन तो देना ही है, साथ साथ में क्या देना है, कंसोलिडेटेड अपनी सब्सिडरीज के लिए, ठीक है। तो कहता है एंड प्रेजेंटेड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन 25 अगस्त 2022 फॉर देयर अप्रूवल और सेम वेयर अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 2 सितंबर 2022। ये किसके लिए बता दिया, स्टैंड अलोन के लिए, किसके लिए बता दिया, स्टैंड अलोन के लिए। अब गोल्डन लिमिटेड प्रिपेयर कर रहा है क्या, स्टैंड अलोन एंड क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर क्या, 22-23, समझ पा रहे हो, कौन से ईयर की बोल रहा है, 22-23 के लिए, और वो बोर्ड के सामने रखता है कब, 20 अगस्त को उनके अप्रूवल के लिए, एंड द सेम वेयर अडॉप्टेड बाय द शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में कहां पे, 26 सितंबर 2023, बराबर है क्या। तो एक स्टैंड अलोन के लिए बताया और एक किसके लिए बताया, कंसोलिडेटेड के लिए। अब आपको करना है एमसीक्यू सॉल्व, एकदम आराम से करना, मैं क्या बोला था, जल्दी देने वाला नहीं जीतेगा, सही आंसर देने वाला जीतेगा, हड़बड़ाना मत, जिसको आंसर आता होगा आराम से करना, ठीक है। अब कहता है ये सब देख के आपको आंसर करना है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम फॉर ई लिमिटेड, फैक्ट देख लो पहले और आराम से हाथ उठा के आंसर दो, हड़बड़ाना मत, ठीक है, इसीलिए मैंने फैक्ट आपको लिखवा दिए थे। ई लिमिटेड की लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर कंडक्टिंग एजीएम ई लिमिटेड के लिए, बरोबर, किसको किसको आंसर आता है एक बार हाथ उठाना दो, सेक्शन 96 लगाना है आपको और कुछ नहीं लगाना है इस पे, बरोबर है क्या, किसको किसको आता है हाथ उठाना, अब बोलो, डी रहेगा 31 दिसंबर 2023, क्यों, कारण 9 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, डी लिमिटेड की बात कर रहे हैं अपन, ई लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो अपने पास क्या है, ई लिमिटेड, और इनका पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 23, तो पहले फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से कितना, 9 महीने, तो 9 महीने इज 31 दिसंबर 2023, यानी कि अपना आंसर ये होना मांगता, आर यू श्योर, यहां तक की क्लैरिटी है। फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं, कहता है व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग एजीएम, किसके लिए बोल रहा है, गोल्डन लिमिटेड के लिए, एकदम हाथ उठा के, किसको किसको आता है, हाँ बोलिए बेटा, 30 सितंबर, क्योंकि सर ये तो 2013 से बनी हुई है, तो ये तो बड़ी सी क्लियर बात है कि 30 सितंबर क्या रहेगा, 2023। फिर कहता है कंपनीज एक्ट प्रोवाइड कि इन एडिशन टू द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी को क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपको प्रेजेंट करना है कहां पे, एजीएम में, और अकॉर्डिंगली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर गोल्डन लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 31 मार्च 2022। तो इसके कंसोलिडेटेड में किसका किसका कंसोलिडेशन आएगा, डेटा इसीलिए पहले लिखवा दिया था, ध्यान से समझ के बोलना कि किसका किसका कंसोलिडेशन आएगा, किसका किसका कंसोलिडेशन आएगा, डेटा याद रखना बिल्कुल। और मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, डेटा में यहां पे ये भी बोला है, ध्यान से सुनना कि इन्होंने 5 जनवरी को बनाया था किसको, अरे 5 जनवरी 2022 को बनाया, और उसके बाद 100% क्या ले ली थी, शेयर होल्डिंग, इस पार्टनरशिप इंटरेस्ट ले लिया था,
ठीक है, तो ये बनी कब थी? 2 जनवरी 2022 को, बरोबर है क्या? तो 2 जनवरी 2022 को बनी थी, और अपने को ईयर कौन सा बता रहा है, कौन से ईयर के लिए पूछ रहा है? 31 मार्च 2022, और वो बन गई थी 2 जनवरी 2022। मेरे को ऑनलाइन वालों से बहुत बढ़िया आंसर मिल चुका है, बराबर है, आप बताइए। हाँ निशान भाई, ए आंसर रहेगा, क्यों भाई? पर मैं बोलू ये 21-22 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? 21-22। तो मैं कहता हूं भाई, अगर 21-22 की बात है, किधर गिरे बाबा? हाँ, तो 21-22 में, 21-22 में ये भी कवर हो गई, कौन सी वाली भाई? डीलिमिटेड, बराबर, बन तो गई ना उस फाइनेंशियल ईयर पे सब्सिडरी, तो डी भी बन गई। और अगर मैं बात करूं किस पे, 21-22 में, तो भाई 21-22 में 2 जनवरी को ये कौन सी बनी थी भाई? 8 जनवरी को, और ई लिमिटेड है, यहाँ पे क्या है? ई लिमिटेड, ये कब बन गई थी? 2 जनवरी को, तो ये भी क्या हो गई है? सब्सिडरी। अब कहता है कि 5 जनवरी को गोल्डन लिमिटेड ने क्या किया है, थ्रू इट सब्सिडरी ई लिमिटेड 100% क्या ले लिया है? पार्टनरशिप एक्स वाई जेड में। तो अभी चलो ये यहां तक की तो बात क्लियर है, मैं यहां आता हूं सबसे पहले, कहां पे? यहां कि बोले बताओ कि किसका किसका कंसोलिडेशन बनाना पड़ेगा, तो सिर्फ डी लिमिटेड का बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, बराबर है क्या? तो हमको, अगर मैं यहां पे जाऊं डी लिमिटेड, और क्या है? ई लिमिटेड, एक ये है, और नीचे यहां पे क्या है? सी वाला, कि डी का भी बना, ई का भी बना, और इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो भी बता। नीचे एक एमसीक्यू पहले मैं आपको और पढ़ा देता हूं, फिर आपको और बेहतर क्लैरिटी आएगी। तो कहता है देखो, कंपनीज एक्ट 2013 क्या करता है? प्रोवाइड कि आपको इन एडिशन टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड, विच शैल आल्सो बी प्रेजेंटेड हियर। अकॉर्डिंगली द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गोल्डन लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023। ऊपर क्या बोला था? 31 मार्च 2000, नीचे क्या बोल रहा है? 31 मार्च 2023। तो ऊपर 22 का पूछ रहा है, नीचे किसका पूछ रहा है? 23 का। क्लैरिटी, अब बात को ध्यान से समझना। मैं अगर बात करूं, सब्सिडरी थी बाबा, सब्सिडरी कौन थी मेरे को बताएंगे क्या? ये ई लिमिटेड, कौन सी वाली राजा? ई लिमिटेड, इसके माध्यम से 100% इंटरेस्ट एक्वायर किया था, और इनने अपना फाइनेंशियल ईयर क्या चूज किया? 22-23 वाला, बराबर। यानी कि एकदम गौर फरमा के सुनना, अगर मैं बात करूं किसकी? ई लिमिटेड की। मैं किसकी बात करूं? ई लिमिटेड की। तो ई लिमिटेड भाई साहब, आपने जो अपना फाइनेंशियल ईयर शुरू किया 2 जनवरी कहां से लेके? 22 से लेके 31 मार्च 2023 तक, यानी कि आप फॉलो कर रहे हो कौन सा? 22-23। यानी कि आप अपने इस 22-23 में जो आपने पार्टनरशिप में इन्वेस्ट किया उसके बारे से भी बताओगे? अरे हाँ कि ना। लेकिन मैं जब, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों? ई लिमिटेड की, बरोबर। अब मैं बात करता हूं किसकी? गोल्डन की। किसकी बात करता हूं मैं? गोल्डन। भाई साहब, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? 22-23 के लिए नहीं पूछ रहे, हम पहले आपसे किससे इनके पूछे? 21-22। देख पा रहे हैं क्या आप लोग? 31 मार्च 2022। यानी कि गोल्डन भाई साहब, आप तो नॉर्मल चल रहे होगे, क्योंकि आप तो कब से इनकॉर्पोरेट हो? 2013 से। तो गोल्डन भाई साहब, आप फॉलो कर रहे हैं 1 अप्रैल कौन सा वाला? 21-22 का, 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22। तो गोल्डन भाई साहब, आपने यहां पे इस बीच में 2 सब्सिडरी बनाई है। कितनी बनाई है? 2। मेरे को डेट बताएंगे क्या? एक बार लिख लूंगा मैं। 2 जनवरी को किसको बनाया? ई लिमिटेड को बनाया। 2 जनवरी कौन सा डेट बोलेंगे क्या? पूरा 2022, ये भी इसके अंदर आ गई। और एक डेट कौन सी है? 8 जनवरी 2022। किसको बनाया आपने? डी लिमिटेड को। यानी कि ये इसी फाइनेंशियल ईयर में कवर हो। तो भाई ये थोड़ी बोल रहा है कि आप फाइनेंशियल ईयर के बाद बन रहे हो कि पहले? सब्सिडरी है, मतलब आपको क्या देना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड। तो गोल्डन भाई साहब, जब आप ये वाला फाइनेंशियल ईयर अपने लिए देख रहे हो, तो आप इन तीनों का दोगे, अपना भी दोगे, इन दोनों का भी दोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब समझना भाई साहब, ई लिमिटेड में गए आप, अरे गए ई लिमिटेड, आप तो अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हो? 22 और 23। अरे हेलो, यानी कि जब गोल्डन 21-22 में बताएगा, तो गोल्डन 21-22 में बताएगा कि मैंने उसको होल्डिंग ऑन सब्सिडरी बनाया, तो मैंने उस पर उतना पैसा लगाया। अब जो स्टैंड अलोन ई लिमिटेड अपना भी तो बनाएगी ना, ई लिमिटेड में भी तो 129 लगेगा ना, लगेगा ना, हर कंपनी में 129 लगता है ना, गोल्डन में भी 129 लगा, इसलिए वो स्टैंड अलोन भी बना रहा है और कंसोलिडेटेड भी बना रहा है।
इसके ऊपर भी तो लगेगा, तो ये अपना बनाएगा तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट बताएगा ना, लेकिन ये कब बना रहा है? 22-23। अब इतना डेटा क्लियर करने के बाद मैं वापस से कमान आपके हाथ में संभालता हूं कि अब आप बताइए कि आपको अगर मैं बोलूं 31 मार्च 22 में गोल्डन लिमिटेड को अगर कंसोलिडेटेड बनाना है तो किसका बनाएगा? का आंसर क्या रहेगा? सी। और नीचे वाले का क्या रहेगा? पे क्या आ जाएगा? डी। क्लियर है दोस्तों? एक प्रोविजन था अल्टीमेट होल्डिंग अगर सबका बना लेती तो इंटरमीडिएट को कंसोलिडेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये उस हिसाब से मानते हुए किया है, तो ऊपर सी और नीचे क्या हो गया? डी। क्लैरिटी है आपको? बढ़ो जीवन में आगे। हाँ 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 अभी जैसे इसने क्योंकि इंस्टीट्यूट का ही है तो अपने को डी को ही सेलेक्ट करना है, बरोबर, क्योंकि वो प्रोविजन याद आ रहा है ना आपको। एक था इंटरमीडिएट सब्सिडियरी को बनाने की जरूरत नहीं है अगर कंसोलिडेटेड बनाना है तो। बेटा कंफ्यूजन हो रहा है कि ठंडी लग रही है? हाँ उठो ना वहां से, फिर क्यों बैठते हो उधर उसके नीचे? चलो पीछे जाके बैठो फटाफट, ठीक है? बढ़े यहां से जीवन में आगे। तो अगर अपने को अगर ऐसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पे? डी। मैडम आप नहीं, आप इधर। हाँ नहीं तो वहां वहां जो कॉर्नर में जाके बैठ तू, महक क्या वो लाइन में अंदर बाजू में जाके। हाँ पीछे जा, शिप्रा के पास बैठ जा और पीछे जा, ठीक है? चलो क्लैरिटी है दोस्तों? अरे है, बढ़ू मैं जीवन में आगे? आर यू श्योर? चलिए फिर आता है अब ये वाला, तो बड़ा फुद्दू है, तुम इसको मजाक मजाक में आंसर कर लोगे, डेटा देख लेना बस। प्लीज सेलेक्ट विच इज करेक्ट ऑप्शन विच इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट, बरोबर है क्या? प्लीज सेलेक्ट विच इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन एंड विच इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? ए बी सी डी अपने को बताया है। पहला कहता है गोल्डन लिमिटेड ने नोटिस दिया और एजीएम मुंबई में कर रहा है, दूसरा दिल्ली बोल रहा है, तीसरा नोएडा बोल रहा है और चौथा भी क्या बोल रहा है? दिल्ली बोल रहा है, बरोबर। बट यहाँ पे टाइम भी देख लेना, टाइम भी जरूरी है, 26 सितंबर 27। बड़ा फुद्दू है, एक बार क्वेश्चन देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है? ठीक है भाई, गोल्डन लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है? तो पहली बात दिल्ली में है तो अपन इसको तो देखेंगे ही नहीं, इसको इसलिए नहीं देखेंगे, साला 8:30 बजे बुला रहा है, इसको भी नहीं देखेंगे, नोएडा भी नहीं देखेंगे, बचा क्या? दिल्ली 11 बजे। आंसर इज बी, देखो आ रहा है क्या बी का आंसर? ठीक है बड़े जीवन में आगे बढ़ू, ठीक है। केस सिनेरियो नंबर 2, ठीक है, इजी था कह रहा है अमन, गुड। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अपने केस सिनेरियो 2 पे, बहुत ही प्यारा केस सिनेरियो है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखो कहता है ओएमएक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस बैंगलोर में है और वो एक होली ऑन सब्सिडरी है ओएमएक्स सॉफ्टवेयर इंक जो कि यूएसए की एक कंपनी है। अब कहता है रजत कपूर यानी कि एक रजत, शुभम, पीटर ये डायरेक्टर्स हैं ओएमएक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि जो इंडिया वाली कंपनी है। रजत और शुभम जो है ये इंडियन रेसिडेंट है, दोनों को बता रहे कि भाई ये इंडियन रेसिडेंट है। जो पीटर है, ये जो पीटर है ये नॉन रेसिडेंट है और ये यूएसए पे ही रहता है, और पीटर जो है जो बाहर वाली कंपनी ओएमएक्स सॉफ्टवेयर इंक का डायरेक्टर है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ की जो चीजें दी है ना कि रजत इंडिया को छोड़ के गया फिर इंडिया को वापस आया एक्सेट्रा, इस चीज को पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक मैंने बहुत अच्छे से सजा के अलग से रखा है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने से बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इतना जो पैराग्राफ है ये अलग से मैं आपको बता के लेता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी है, पूरी टाइमलाइन के साथ है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसा कि क्वेश्चन आपको बताया कि भाई ओएमएक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, ये होली ऑन सब्सिडरी है ओएमएक्स सॉफ्ट इंक की, रजिस्टर्ड ऑफिस इसका बैंगलोर में और तीन डायरेक्टर है इस पे, एक हो गया रजत कपूर, एक हो गया शुभम, ये दोनों इंडियन रेसिडेंट है, पीटर जो है नॉन रेसिडेंट है, ये यूएसए पे ही रहता है। अब रजत कपूर के बारे से बताया है कि भाई ये इंडिया को छोड़ा 2 नवंबर को, फिर इंडिया में वापस आया 12 फरवरी को, फिर ये 26 फरवरी 2022 को इंडिया को छोड़ के चले गया, फिर ये वापस आया 25 अगस्त को और उसके बाद इंडिया में ही रहा। क्वेश्चन अपने को बड़ा क्लियर बोलता है कि जब वो 2 नवंबर 2021 को गया था तब वो बिजनेस के लिए गया था, बाहर जो उसकी कंपनी है उसके लिए बिजनेस पर्पस के लिए गया था, यानी कि यहां तो निकला था वो इंडिया से, ये बिजनेस के लिए निकला था।
वापस जब आया तो फैमिली से मिलने आया 12 फरवरी को, उसके बाद फिर 26 फरवरी को चले गए, उसके बाद 25 अगस्त 2022 को आया और उसके बाद से इंडिया में ही रह रहा है। अब बात को ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ करके लिए, इसको समझना। इंडिया को कब छोड़ा था? 2 नवंबर 2021 को, यानी कि 21-22 को उसने 2 नवंबर को इंडिया को छोड़ा। वापस आया 12 फरवरी 2022 को, 21-22 को, तो ये वापस आया। 26 फरवरी 2022 को वो वापस चले गया, ठीक है, और उसके बाद 25 अगस्त को आया और उसके बाद इंडिया में ही रहा। तो बात को ध्यान से समझना, सीधी सी बात कहता है, अगर आपको रेसिडेंट देखना है कि नहीं है, कि नहीं है, पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज होना चाहिए। और कहता है कि अगर मान लो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप मोर देन 182 डेज थे, अब आप बाहर जा रहे हो, तो बाहर आप तीनों में से किसी एक पर्पस के लिए मत जाना, बिजनेस के लिए मत जाना, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए मत जाना, या अनसर्टन पीरियड के लिए मत जाना। तो ठीक है, जहां तक क्वेश्चन में डेटा समझ में आ रहा है कि भाई 2 नवंबर 21 को पहली बार वो गया इंडिया से, ठीक है, तो 2 नवंबर 21 को अगर पहली बार वो इंडिया से गया, क्योंकि इंडियन रेसिडेंट बताया, तो काहे के लिए गया था? बिजनेस के लिए। फिर आया, फिर चले गया, तो बिजनेस के लिए जा रहा है ना। तो भैया फेमा का डेफिनेशन बड़ा क्लियर कहता है कि आप भले पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में रहे होगे, लेकिन अगर आप करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के बाहर जा रहे हो और आप धंधे के लिए जा रहे हो, तो भले पिछले फाइनेंशियल ईयर में आप मोर देन 182 डेज इंडिया में रहे होंगे, बट हम आपको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इन इंडिया मानेंगे। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई सर। अब अगर मैं बात करूं यहां की, 25 अगस्त को भाई साहब वापस आए थे, और 25 अगस्त को जब वापस आए, तो वापस आने के बाद फिर वो इंडिया में ही है, फिर नहीं गए। अब अगर मैं 25 अगस्त की बात करूं तो ये 22-23 आ जाता है। तो 22-23 में अगर आप देखोगे तो वो मोर देन 182 डेज इंडिया में था, क्योंकि 25 अगस्त को जब वो आया उसके बाद वो इंडिया से नहीं गया है। ठीक है सर, फिर यहाँ पे हमारे पास 23-24 है, लेकिन उसमें जाने के पहले भी मैं बताना चाहता हूं, इस बीच में 25 फरवरी 22 को जो वो वापस चले गया था, वापस जाने के बाद उसने 27 अप्रैल 22 को, यानी कि 22-23 वाले फाइनेंशियल ईयर में वहां पे घर खरीदा था खुद के लिए। तो ये भी डेटा आपको याद रखना, ताकि अभी जब मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन है। अब अपने को इतना सिनारियो पूछने के बाद पूछता है कि भाई मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि बताइए कि भाई रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा रजत कपूर का। तो ए बी सी डी 3 आपको दिया है, इसका जो आंसर है वो बी है। कैसे बी है आंसर, मैं आपको बताता हूं। लिखता है देखो, रजत कपूर को आपको नॉन रेसिडेंट मानना है इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। पहले इसको समझ लेते हैं कैसे। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूं, तो ये यहां पे 22-23 है, बराबर। 22-23 का अगर मुझे स्टेटस देखना है कि 22-23 में वो रेसिडेंट है कि नहीं है, तो मुझे 21-22 के डेटा में आना पड़ता है। अब 21-22 पे इसके ये हाल है, हम 21-22 में तो उसको नॉन रेसिडेंट ही मान रहे। क्यों? क्योंकि भाई तुम 21-22 में निकल गए थे, कहां कहां निकल गए थे 21-22 में? बाहर चले गए थे धंधा संभालने के लिए, ठीक है। तो कहता है कि भाई 22-23 पे तो उसको हम क्या मानेंगे, नॉन रेसिडेंट, क्योंकि 22-23 को देखने के लिए हमको 21-22 देखना, 21-22 पे तो बिजनेस संभालने निकला हुआ था, ठीक है सर। सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ OMX सॉफ्टवेयर, तो कहने का मतलब ये कि भाई 21-22 में भले तो मोर देन 182 डेज इंडिया में रहा होगा, बट क्योंकि तू बिजनेस के लिए चले गया था तो हम तेरे को PROI मान रहे थे। तो 22-23 में भी हम तेरे को क्या मानेंगे, PROI, यानी कि नॉन रेसिडेंट। फिर कहता है कि इसको आप रेसिडेंट मानोगे 23-24 के लिए। 23-24 का मतलब क्या है, यहां के लिए आप उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानोगे। क्यों पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानोगे? क्योंकि जब वो 25 अगस्त को आया, 25 अगस्त 22 यानी कि 22-23 को, उसके बाद वो इंडिया में ही है। तो अगर आप देखोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जैन, फेब, मार्च, ये पूरा का पूरा वो इंडिया पे ही रहा। तो 23-24 में अगर आप जाओगे तो 23-24 पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमको प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखना होता है, और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में वो मोर देन 182 से इंडिया पे था। बहुत बढ़िया सर, तो इसका तो आंसर आ गया सेकेंड, ये तो क्लियर हो गया सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे से समझा होगा।
अब अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन इस पे पूछा है, सेवेंथ वाला क्वेश्चन पूछता है कि कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ फॉरेन, हाउ मच अमाउंट कंपनी कैन रेमिट आउटसाइड इंडिया। अब जैसे कि आप सवाल देखोगे तो इनका सॉफ्टवेयर का क्योंकि काम है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अवेल किया कंसल्टेंसी सर्विस फ्रॉम अ कंपनी सिचुएटेड इन यूएसए फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग सर्विस टू इट्स कस्टमर। तो अगर आपको याद होगा, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई कंसल्टेंसी सर्विस लेते हो तो 1 करोड़ रुपए तक आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अगर आप कोई सर्विस लेते हो तो आपको 10 लाख रुपए तक की अप्रूवल रहती है, 10 लाख तक आपको किसी की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 करोड़ और अदर के लिए 10 लाख। तो अगर यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आएगा, जैसे कि यहां पे 10 लाख रुपए दिख रहा है, ठीक है, परमिसिबल अमाउंट रेमिटेड टू यूएसए कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग कंसल्टेंसी विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल, वो है $1,00,000। अगर यही आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कोई और सर्विस ले रहे होते हैं तो 1 लाख तक तो कोई अप्रूवल नहीं है। मान लो 1 लाख के ऊपर आप रेमिट करना चाहते हो, 10 लाख के ऊपर आप रेमिट करना चाहते हो, सपोज आप 50 लाख रेमिट करना चाहते हो, तो भाई साहब 10 लाख तक की कोई अप्रूवल नहीं है, क्योंकि आप 50 लाख रेमिट करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लगेगी। तो फिलहाल तो ये इतना ही पूछ रहे हैं कि भाई ये कितना रेमिट कर सकते हैं, तो बोले देखो $1,00,000 तक कोई आरबीआई की अप्रूवल नहीं लगेगी, आप ऐसे ही रेमिट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई सेवेंथ वाली बात। अब एट्थ वाला बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन कहता है, देखो उनने एक फ्लैट लिया था, किसने फ्लैट लिया था देखना, तो बोले ये रजत ने फ्लैट लिया था। रजत भाई साहब आप फ्लैट लिए, रजत भाई साहब आप फ्लैट कब लिए हो, तो कहता है मैंने 27 अप्रैल 2022 यानी कि 22-23 में लिए थे अपने फ्लैट, 22-23 में। 22-23 में रजत भाई साहब हम आपको क्या मान रहे हैं, 22-23 में रजत भाई साहब हम आपको मान रहे हैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब कहता है कि जो रजत ने फ्लैट लिया था, मैं वापस से क्वेश्चन पे आता हूं, रजत ने जो फ्लैट लिया था ये देखो लिखा है, रजत हैड परचेज अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन यूएसए 27 अप्रैल 2022 को, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड था। तो भाई जब तुम 27 अप्रैल 2022 को लिए थे, जब तुमने परचेस किया था, तब तुम्हारा स्टेटस क्या था, रेसिडेंशियल स्टेटस तुम्हारा क्या था तब? बोले तब मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस PROI था। क्यों PROI था? क्योंकि बोले 22-23 में जब मैं यूएसए के अंदर था, जब मैंने 27 अप्रैल को खरीदा, तो क्योंकि मैं 22-23 में वहां था, तो 21-22 का स्टेटस देखते कि भाई करंट फाइनेंशियल ईयर में आप PROI हो कि PROI हो, उसके लिए पिछला देखते, तो पिछला तो आपका PROI था। तो PROI फॉरेन में फ्लैट खरीद रहा यूएसए में, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो तब माना जाता है जब पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का फॉरेन असेट और फॉरेन लाइबिलिटी क्या हो रही हो, अल्टर हो रही हो। भाई साहब 22-23 पे जब उसने वहां पे फ्लैट खरीदा था तब तो वो PROI था ही नहीं, तो PROI था, तो PROI का फॉरेन असेट और फॉरेन लाइबिलिटी को कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन थोड़ी बोलते। PROI का अगर फॉरेन असेट और फॉरेन लाइबिलिटी अल्टर होता है तो कैपिटल होता है, PROI का इंडियन असेट और इंडियन लायबिलिटी अल्टर होता है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। PROI यानी कि जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो बाहर अपना असेट खरीद रहा है तो बाहर का बाहर है वो, वो PROI इंडिया का करे तो समझ में आए, PROI फॉरेन का करे तो समझ में आए। तो कहता है इसका आंसर ये रहेगा कि ये भाई साहब जो है रजत, इनने जो परचेस किया फ्लैट, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा है भाई रजत, ना तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है ना तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप कमेंट करिए, मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। मैं आता हूं भावेश में, किस पे आता हूं, भावेश है, यश है एंड चिराग है, इनने क्या बनाई है बोलो LLP, बरोबर है क्या, टिम्बर का धंधा करने के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो एक बार तीनों का नाम लिख लेना, भावेश है, यश है और क्या है, चिराग है, क्या बनाया है इनने, LLP बनाया है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे बताया है कि चिराग जो है, जो वन ऑफ द पार्टनर है, उनने अपना शिफ्ट किया रेसिडेंस फ्रॉम 12 ब्लॉक C कमला नगर आगरा से, वो सेक्टर नंबर 1 बोडला आगरा, सो ऑन 16 नवंबर 2023। तो आप लिखो 16 नवंबर चिराग शिफ्टेड, बराबर 16 नवंबर को क्या हो गया, चिराग शिफ्ट हो गया, आर यू श्योर, ठीक है। और वो फॉर्म को इसके बारे से बताता है 20 तारीख को, एंड इनफॉर्म्ड फॉर्म, इनफॉर्म्ड LLP बोल लो या फॉर्म बोल लो, कितने तारीख को बताया, 20 तारीख को, ठीक है, ठीक है।
अब जिस नाम से इनने एलएलपी खोली है, जिसका नाम क्या है, सॉलिड लक्कड़ एलएलपी, इज रिक्वायर्ड टू फाइल नोटिस विद द रजिस्ट्रार। बिल्कुल करेक्ट बात है, याद करो सेक्शन नंबर 25 के सब सेक्शन नंबर 1 पे लीगल ऑब्लिगेशन होता है किसको, पार्टनर को, कि तेरे को 15 दिन के अंदर बताना है। फिर एलएलपी का ऑब्लिगेशन होता है कि तुझे पार्टनर ने बताया तो तू 30 दिन में किसको बताएगी, आरओसी को। क्लियर है क्या दोस्तों? तो अब अपने को पहला पूछ रहा है कि बताइए कि जो नोटिस फाइल करना है रजिस्ट्रार को, ये कब तक करेगी, 1 दिसंबर, 5 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, कब तक करेगी? 20 दिसंबर तक करेगी। थोड़ा सा बेटा डेट देखेगा क्या यहाँ पे, 20 नवंबर को उसने ऑफिस चेंज किया, तो 20 नवंबर से 15 दिन के अंदर वो किसको बताएगा, एलएलपी को, 20 को इन्फॉर्म किया है। हाँ बराबर, तो मैं यहां से कितना गिनने वाला हूं, यहां से 30 दिन, जब से किसको पता चला है, एलएलपी को। तो अगर मैं यहां से 30 दिन गिनूंगा तो कितना आना चाहिए मेरे को बताना, 20 दिसंबर आएगा क्या, आर यू श्योर? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमको यहां से गिनना है, यहां से गिनना है करके, हाँ माना मैं, तो देखो यहां से है, कहां से, यहां से, मैं थोड़ा सा एलएलपी का बेरक खोलू क्या, थोड़ा सा अपन वहां से भी क्लैरिटी लेते हैं, मेरा एलएलपी का कौन सा सेक्शन खोलना है, एलएलपी का 25, मेरे एलएलपी का कौन सा 25, 25 में क्या बोला है, Within 15 days of such change, ये किसके लिए, पार्टनर के लिए, कम ऑन ध्यान देंगे। फिर कहता है वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम, फाइल नोटिस विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। क्या बोल रहा है, यानी कि पार्टनर भी बताएगा 15 दिन में, और वहीं से कितना गिनना है, 30 दिन। अब गिनना अब अगर 16 नवंबर है, नवंबर में कितने दिन हुए, 30 है, तो 4 दिन ये हुए, 14 ये हुआ, 14 के बाद 16 और प्लस करो, तो 16 दिसंबर तक अपने को किसको बताना है, एलएलपी को बताना है, आरओसी को, कि हमारा पार्टनर क्या हुआ है, चेंज। तो 15 दिन भी हमको गिनना है चेंज से, आरओसी को भी जो 30 दिन गिनना है वो भी कहां से गिनना है, चेंज से। तो 9th वाले का आंसर क्या रहेगा, 16 दिसंबर। तो अगर आओ चेक करें, अगर 9th वाले का आंसर अपने पास 16 दिसंबर आ रहा है क्या, दैट इज यस, बराबर है। बाकी तो अपने आंसर बीच में अपन ने छोड़े हुए हैं, इसलिए अपन ने चेक ही नहीं, बरोबर है। बड़ू जीवन में आगे में, आर यू श्योर? तो अब अगर आप देखोगे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या लिखा है, ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी है, कौन सी है, ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंक है, क्या है, इंक, यानी कि यहाँ की कंपनी नहीं है, ये इनकॉर्पोरेटेड कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया पे, ये चाहती कि प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे लगाइए, मुंबई पे, ठीक है, लिखना ड्रग सॉफ्टवेयर कंपनी इंक है, ऑस्ट्रेलिया की है, मुंबई में क्या करना चाहती है, प्लेस ऑफ बिजनेस को स्टेब्लिश करना चाहती है, बराबर है क्या, ठीक है दोस्तों। और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर लिखेंगे उस पर, क्या लिखेंगे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर में लिखो अरुण एमडी है, रणवीर डायरेक्टर है, और रमेश मलिक भी डायरेक्टर है, और नवाज भी डायरेक्टर है। तो अरुण, रणवीर, रमेश और नवाज, ये चारों डायरेक्टर है, क्या है, चारों। एमडी को भी मैं डायरेक्टर बोलूं तो चलता, क्योंकि एमडी डायरेक्टर ही है, ठीक है। और एक लवीना है, लवीना क्या है, सेक्रेटरी है, लवीना क्या है, सेक्रेटरी है, बरोबर है क्या। तो सेक्रेटरी में इतना हंसते क्यों हो तुम, चलिए अब आगे के फैक्ट को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, बोलू क्या मैं दोस्तों, बोलू मैं। तो कहता है देखो, अब ये नोट करना है, बोलता है, अब मैं जो बोलूंगा वही आप अपने फैक्ट में करना, कि जो रमेश है ना, अरे है रमेश, रमेश मलिक एंड मिस्टर नवाज, ये दोनों आर आई आई है, तो मार्क कर लो वहां पे कि रमेश और नवाज कौन है, आर आई आई, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया, और इनको ऑथराइज किया गया है ड्रग सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेटेड से कि आप एक्सेप्ट करो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विस ऑफ प्रोसेसेस, सेक्शन 383, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का सेक्शन 383 के अंदर आप इनका नाम बताओगे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव का, और 383 में बोलता है जिसको आपने 380 में बताया वही ऑथराइज पर्सन है, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है इन रिलेशन टू कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू एनलाइटन टू ड्रग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद रिस्पेक्ट टू हुम अ डिक्लेरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद रिस्पेक्ट टू हुज अ डिक्लेरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बाय ड्रग सॉफ्टवेयरिंग फॉर नॉट बीइंग कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो कहता है वो जो ड्रग कंपनी ना तुमको बताना है, वो डिक्लेरेशन देना रहता है ना, नन ऑफ दिस 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 इज डिबार्ड फॉर द प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट और कभी कन्विक्ट नहीं हुए ना तो इंडिया में ना तो आउटसाइड। तो कहता है किसके बारे से बताना है, आपको चार चीजें बता दी, कितनी चीजें बता दी है, चार चीजें बताई है कि किस कुछ आपको 380 याद आ रहा है, 380 में पॉइंट होता है जिसमें आप डिक्लेरेशन करते हो कि इनको कभी भी डिबार्ड नहीं किया है, ना तो ये कन्विक्टेड हुए फॉर द प्रमोशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ना तो इंडिया में ना तो अब्रॉड में। तो डिक्लेरेशन किसके संबंध में देना होता है, वो डिक्लेरेशन किसके संबंध में देना होता है नहीं पता बेटा? हाँ, तो देखो आपको चार ऑप्शन दिया है, एक जगह देखो लिखा है अरुण, रणवीर, रमेश, मलिक, नवाज एंड लवीना, यानी कि सेक्रेटरी को भी लिया, एक जगह सिर्फ चारों तीन डायरेक्टर को लिया और एक को मिस कर दिया। देखो अरुण है, रमेश है, नवाज है, रणवीर नहीं है सेकंड में, तीसरे में रमेश और नवाज है और चौथे में अरुण, रणवीर, रमेश और नवाज है, यहाँ पे सेक्रेटरी नहीं है। तो आपको चारों में से किसके बारे से डिक्लेरेशन देना होता है, सबके बारे से? तो या तो आंसर क्या होने वाला है, ए, या तो आंसर होने वाला है क्या, डी, दोनों में से कोई एक ही होगा। 380 खोल ले एक बार, बेरक का खोल ले 380, आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, ए आना चाहिए बेटा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स को लपेटा है, सेक्रेटरी को नहीं लपेटा है। सेक्रेटरी के बारे से बताने बोलता है कि बताओ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी कौन है, लेकिन डायरेक्टर के लिए बोलता है बेरक खोलो क्या, तुमको विश्वास नहीं है ना मेरे ऊपर, तुमको सिर्फ बेरक पे विश्वास है, वही तुम्हारी क्या है, वही तुम्हारी क्या है बीवी? अरे वो बच्चा है बोले, ठीक है। सेक्शन नंबर कौन सा राजा, 380, बस आने को रास्ते पे। चलिए क्या लिखा है देखो, डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स, None of the directors of the company or authorized representative in India has ever been convicted. तो इनको ही director बनाया और इनमें से ही दो को क्या किया था? Authorized, याद आ रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अपने को देखना है? Directors के लिए, secretary के लिए देखना नहीं है। तो अगर मैं इसका आंसर बोलू कौन सा वाला, दसवा वाला है क्या ये? अरे है क्या? तो टेंथ वाले का अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है, ए, सॉरी सॉरी डी, क्योंकि सारे क्या है इस पे डायरेक्टर। तो अगर अपना आंसर देखोगे टेंथ का क्या है, डी, बरोबर। चलो यहां पे आके अपना आरटीपी का क्या हो गया है, एमसीक्यू। आगे जीवन में बढ़ के लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस फटाफट करके लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना ठीक है। क्या लिखता है, राम प्राइवेट लिमिटेड है, कम ऑन एवरीबॉडी, राम प्राइवेट लिमिटेड है, होल्ड कर रहा है क्या, कंपनी ऑफ लक्ष्मण प्राइवेट लिमिटेड एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। तो राम प्राइवेट लिमिटेड है, ये होल्डिंग कंपनी किसकी, लक्ष्मण की, और टर्नओवर इसका कितना है पिछले साल का 1.80, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 80 लाख का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी, कंपनी सेक्रेटरी बोलता है कि भाई आप कैटेगराइज नहीं हो सकते एज अ स्मॉल कंपनी, सही बोल रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया कि भाई राम प्राइवेट लिमिटेड है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 80 लाख, टर्नओवर कितने का है 1.80, कंपनी चाहती है कि मैं कौन सा स्टेटस ले लूं स्मॉल कंपनी का, कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि तुम ले नहीं सकते, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्यों, क्योंकि होल्डिंग बन गए तुम, भले तुम होल्डिंग किसके बने हो, प्राइवेट के ही, बट एक बार तुम होल्डिंग सब्सिडियरी बने तो तुम 285 के प्रोविजो में आ गए, और प्रोविजो कहता है कि होल्डिंग सब्सिडियरी कभी भी स्मॉल कंपनी बन नहीं सकती, क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है बहुत बढ़िया, तो भाई कंपनी सेक्रेटरी करेक्ट है, हम तो यही बोलेंगे। 12 आ रहा है क्वेश्चन, देखेंगे ऐसे मजाक है, तुमने पढ़ा इतना तेज है, सुनना। प्रकाश एंड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर मेंबर्स ऑफ फोकस लिमिटेड, किसके हैं, अ कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल रुपीस कितना 1 करोड़,
They all intend to propose a resolution at the forthcoming general meeting, which is going to be held in CP, New Delhi. That is the place where registered office of Focus Limited is situated. Kindly provide guidance to Prakash and his friends on the requisite minimum paid up capital they should hold to initiate a members resolution. और बोले और कौन कौन सी दूसरी बात उनको ख्याल पे रखनी है, कुछ याद आ रहा है क्या? मैं हिंट दे सकता हूं अगर तुमको याद ना आए तो। पाटिल मेरी पानी की बोतल लाएगा क्या भाई? अरे बाबा यहाँ पे क्या लिखा है, वो प्रपोज करना चाह रहे रेजोल्यूशन। तुम भूल गए जब आपको रेजोल्यूशन प्रपोज करना होता है तो कौन सा सेक्शन लगता है? हाँ 10 लगता है, कौन सा 11? सिर्फ 11 कि 111? 111 राजा, रेजोल्यूशन प्रपोज करने के लिए दो सेक्शन है, 111 और 115। 115 होता है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, जो 14 दिन पहले जाता है चार केस पे, और एक है सेक्शन 111 जिसपे आप रेजोल्यूशन या सर्कुलेशन प्रपोज करना चाहते हो स्टेटमेंट का। अबे 6 हफ्ते 2 हफ्ते कुछ याद आ रहा है 111 में? सेक्शन 111 बोलता है कि अगर किसी मेंबर को रेजोल्यूशन प्रपोज करना है तो 6 हफ्ते पहले उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर कोई सर्कुलेट करवाना हो स्टेटमेंट तो 2 हफ्ते पहले करना होता है। तो बोले कौन कर सकता है? तो बोले वही कर सकता है जो 100 को सेटिस्फाई कर रहा है। 100 को सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि ईजीएम वाला, शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 110, नॉन शेयर कैपिटल वाली तो टोटल वोटिंग पावर का 110। तो बोले भाई आप प्रकाश और जो कुछ दोस्त हो आपके पास मिला के क्या होना चाहिए? 110। क्या होना चाहिए? 110। और ये 110 जब आपके पास रहेगा फिर आप रिक्वेस्ट करो कंपनी को, एक आपको रीजनेबल सम डिपॉजिट करना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है? तो आप पहले तो देखो 110 के बाद आप करो रिक्वेस्ट, रीजनेबली सफिशियंट सम जमा कराओ जो कंपनी को लगेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके इसको जमा कराओ। और ध्यान रखना जो सेकंड वाला पॉइंट है कि बोले और कौन कौन सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तो बोले देखो रेजोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो तो मीटिंग के 6 हफ्ते पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर स्टेटमेंट को सर्कुलेट करना चाहते हो तो 2 हफ्ते पहले करना पड़ेगा। सिंपल खत्म, यही है 111। दिखाऊं क्या आंसर? अबे दिखाऊं क्या? तुम्हारे जैसे तोते जिस हिसाब से दिखे मेरे को, मैं कल का एक बार दिखा देता हूँ। याद आ रहा है 111? कहता है जो मेंबर्स ऑफ कंपनी है उनको राइट दिया गया है कि वो रेजोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, और कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन सब सेक्शन नंबर 1 द नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड, वो जैसे 100 में बताया ना वैसे ही सेम, तो आपको 110 होना चाहिए। और नीचे की रिक्वायरमेंट देखो क्या बोलता है कि आपको इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा कम से कम 6 हफ्ते पहले, और 2 हफ्ते पहले अगर आप स्टेटमेंट सर्कुलेट करना चाहते हो और एग्जाम देना पड़ेगा। बरोबर है क्या? दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 111। बड़ू जीवन में आगे, ठीक है? ऐसा लग रहा है ना रिवीजन करना चाहिए हम लोगों को, तो ये याद आ जाता, नहीं तो ये आते हुए नहीं आता अपने को। 111 में था ही क्या? एकदम सिंपल था, बस ध्यान लगाना था। चलिए जीवन में आगे आते हैं। फिर अपने को कहता है देखो PQR प्राइवेट लिमिटेड है, कौन सा है? PQR प्राइवेट लिमिटेड। अब एक शिखा शर्मा करके एक स्टूडेंट है, वो होल्डिंग शेयर नॉट एक्सीड 5 लाख पे जा रही है, जबकि ये रिक्वायरमेंट कहां पे? 115 में। 115 में बोला टोटल वोटिंग पावर का 1% या तो उतने शेयर नॉट एक्सीडिंग 5 लाख, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख एक्ट में, और नॉट लेस देन रूल के अंदर कि कम से कम क्या होना चाहिए? 5 लाख। तो बेटा यहाँ पे स्पेशल नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं चल रहा है नॉर्मल रेजोल्यूशन के लिए, तो नॉर्मल रेजोल्यूशन के लिए तो 110 थी। क्या तुम मेरे साथ हो दोस्तों? बड़ू जीवन में मैं आगे। अरे बड़ू हाँ कर ले बेटा, बात कर ले थोड़ा सा, ठीक है? आ जाए सामने। PQR प्राइवेट लिमिटेड है, वो ऑपरेट कर रही है क्या? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या ऑपरेट कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जनरेट कर रही है टर्नओवर कितना? 150 करोड़ का, और होल्ड कर रही है आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ कितना? 75 करोड़ का फ्रॉम अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोलली इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो टर्नओवर कितने का है बोलो? 150 करोड़ का। लोन कितने का है बोलो? 75 करोड़ का। किससे है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। कहां पे है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। टोटल लोन अवेल कितना किए थे बोले? 110, बट 35 करोड़ उनने क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो बचा कितना? बचेगा 75, पक्की बात है। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। कंपनीज का बोर्ड जो है वो डेलीगेट करता है अथॉरिटी किसको?
सीईओ को कि भाई टू डेजिग्नेट कर क्या है इंटरनल ऑडिटर टू कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट, लेकिन सीईओ का मानना है कि कंपनी लीगली ऑब्लिगेटेड नहीं है इंटरनल ऑडिटर रखने के लिए। अरे हेलो, तो अब बोलता है बताओ सीईओ सही है कि गलत है, और फिर कहता है व्हाट इफ क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांटेड टू अपॉइंट मिस्टर नागेंद्र, इसको नागेंद्र को एक एक्स एम्प्लॉई है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है एज एन इंटरनल ऑडिटर। तो दो सवाल है, पहला तो आपको सीईओ की बात सही है कि नहीं ये बताना है कि इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना है कि नहीं, और दूसरा अगर बोर्ड किसी एक्स एम्प्लॉय को इंटरनल ऑडिट बनाना चाहे तो बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो सबसे पहले तो सेक्शन आपको याद आना चाहिए, दैट इज सेक्शन नंबर 138, दैट इज इंटरनल ऑडिट। फिर वहां से तुमको मेमोरी टेक्निक याद आना चाहिए जो मैंने बताया था आपको, 25, 50, 100, 200, 25 आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट के लिए था, 50 पेड अप शेयर कैपिटल के लिए था, और 100 एक्सीडिंग था। क्या था एक्सीडिंग, कि अगर आपका पब्लिक से बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप बोरोइंग आपका एक्सीडिंग कितना है 100, या टर्नओवर आपका कितना है 200 करोड़। और याद आपको आना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 100 और 200 की लिमिट लगती है, याद आ रहा है, लिस्टेड में तो देखना ही नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 25, 50, 100, 200 और प्राइवेट कंपनी में 100 और 200, और ये सब जो लिमिट है आपको ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कौन सी कंपनी है प्राइवेट, यानी कि या तो आपका टर्नओवर 200 होना चाहिए, टर्नओवर आपका कितना है 150, और या तो आपका जो बोरोइंग है वो एक्सीडिंग क्या होना चाहिए 100। अब आप कह रहे हो कि भैया 110 था हमने 35 पे कर दिया, तो 110 था मतलब 100 को क्रॉस किया था ना पिछले साल, आज लिमिट में, इसका ये मतलब थोड़ी है। उसने बोला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एक्सीडिंग 100 करोड़ हुआ तो करना है, तो एक्सीडिंग हुआ था ना, पे कर दिया, उससे क्या मतलब है, मैं पूरा पे करके खत्म कर दूंगा, लेकिन एक्सीड तो हुआ था ना, ऐसा थोड़ी कि एक्सीड ही रहेगा तो इंटरनल ऑडिट करना। अरे हेलो, तो यहाँ पे यही लिखा है ना कि भाई यहाँ पे इनने देखो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लोन था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 75 करोड़ का, कितने का था बोले 110 का था, 35 हमने क्या कर दिया रीपे। आपको घुमाने की कोशिश की गई है कि बोले था पिछले फाइनेंशियल ईयर में 110, 35 वापस कर लिए, तो अभी कितना बचा है 75। तो आप बोले हाँ ठीक है बोले लिमिट के अंदर है। अबे तो लिमिट के अंदर तो अभी है, क्रॉस तो हुआ ना पिछले साल, तो इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करना पड़ेगा। अब दूसरी बात नागेंद्र को कर सकते हो क्या, तो बोले हाँ, चाहे सीए हो चाहे सीएमए हो चाहे एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, और चाहे इंडिविजुअल हो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। कुछ याद आ रहा है, तो नागेंद्र को बना सकते हैं भले एक्स एम्प्लॉय क्यों ना हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर थोड़ी बना रहे 138 वाला कि एक्स एम्प्लॉय को नहीं अपॉइंट करेंगे, हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं इंटरनल ऑडिटर को, क्या तुम मेरे साथ हो, ठीक है। फिर आता है ये वाला, बाय द वे ये आप कर चुके हो आपके बुलसाई में, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं, गवर्नमेंट है कहां की, तमिलनाडु की एंड आंध्र प्रदेश की, वो कलेक्टिवली होल्ड कर रही कितना 60% का पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल किसका, ऑरेंज लिमिटेड का, ठीक है। चलिए, यानी कि ऑरेंज लिमिटेड कौन सी कंपनी हो गई राजा, गवर्नमेंट कंपनी। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 22-23 का किसका, ऑरेंज का, वो प्रेजेंट किया गया एजीएम में 17 अगस्त को, बरोबर है। लेकिन CNAG के कमेंट्स पेंडिंग थे, याद आ रहा है CNAG गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर रिपोर्ट में CNAG कमेंट करता है, तो बोले उसके पेंडिंग कमेंट थे, तो मीटिंग को क्या करना पड़ा, एडजर्न विदाउट अडॉप्शन ऑफ द अकाउंट्स, देयरफॉर कंपनी डिड नॉट फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ROC एंड आफ्टर ऑन रिसिप्ट ऑफ CNAG कमेंट्स द एडजर्न्ड एनुअल जनरल मीटिंग में क्या किया गया, 20 सितंबर को अडॉप्ट किया गया। ऑरेंज लिमिटेड एडजर्न वाले में फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करती किसके पास, ROC के पास। बताइए कि क्या कंपनी ने एप्लीकेबल प्रोविजन फॉलो किया है, तो इसका आंसर अपने याद करो, आपने बोला था नहीं किया, लेकिन इंस्टीट्यूट का आंसर ये है कि भाई सर्टनली इसने कंप्लाई कर लिया, क्योंकि अडॉप्ट करने के बाद 30 दिन में दे दिया ना, तो बोले सर्टनली क्या कर लिया है कंप्लाई, तो आपको भी ऐसे लिखना है कि सर्टनली क्या कर लिया है कंप्लाई, आर यू विद मी दोस्तों। चलो फिर कहता है अपने को देखो नॉप लिमिटेड है, क्या कंपनी है नॉप लिमिटेड, सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन इन 2002 इट्स एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रीमियम क्वालिटी ग्लास बॉटल, ठीक है। फाइनेंशियल रिजल्ट जो है 31 मार्च 2023 में, जिसमें बताया कि नेटवर्थ कंपनी का कितना है 90 और टर्नओवर कितना है 510 करोड़।
कंपनी चाहती है कि वो एक्सेप्ट करे डिपॉजिट 1 फरवरी को, बराबर, और उसका रीपेमेंट करेगी 30 सितंबर 28 को, इसके बाप का राज है। देख रहे हो, 24 से लेके 28, 36 महीने के ऊपर हो ही नहीं सकता, बराबर है क्या? तो इतना लंबा आप जा ही नहीं सकते। फर्दर मोर अ कंपनी एक्सेप्टेड अ लोन कितना, 1.5 करोड़ का, किससे? फ्रॉम मिस्टर पी। मिस्टर पी यानी कि पी किशोर है, पी किशोर कंपनी के कौन है? डायरेक्टर। और लोन वॉज टू बी रीपेड कब बोला है? आफ्टर 24 मंथ्स। कंपनी ने अपने बुक्स पे इसको रिकॉर्ड किया है रिसीट एज अ लोन अंडर नॉन करेंट लायबिलिटी, यानी कि जो डायरेक्टर से पैसे लिए है उसको क्या माना है? लोन, ठीक है। अब कहता है एट द टाइम ऑफ एडवांसिंग लोन, जो पी है ना किशोर, वो राइटिंग में लिख के दिए कि भाई ये जो मैं पैसा दिया हूं ना, मेरा खुद का, मैं उधार लेके पैसा दिया नहीं हूं। अब आपको बताना है सबसे पहले क्या कंपनी एलिजिबल है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? क्यों नो भाई, एक तो पब्लिक कंपनी, ऊपर से टर्नओवर कितना है? 500। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? 500 करोड़ से ज्यादा हो गया तो पब्लिक कंपनी, अगर नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर और टर्नओवर 500 करोड़ और मोर, क्या बन जाती है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। कैसे मना कर रहे हो जी? तो ले सकती है पब्लिक से? अरे ले सकती है, द आंसर इज यस, ठीक है। क्या क्राइटेरिया रहेगा फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड टेन्योर क्या रहेगा? तो मेरे क्राइटेरिया यही कि पहले एलिजिबल रहे। अब ओआर पास करना है कि एसआर पास करना है, डिपेंड कर रहा है कि तेरी एग्जिस्टिंग बोरिंग और प्रपोज बोरिंग अगर पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और एसपीए को क्रॉस कर रही है तो ऐसा, नहीं तो क्या? ओआर मैंडेटरी क्रिएट करना, क्या चार्ज क्रिएट करना, और आपको क्रेडिट रेटिंग देना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट, और 73 कंप्लाई करना पड़ेगा, सर्कुलर इश्यू करना पड़ेगा, टाइम पास करना पड़ेगा, बराबर है क्या? अब कहता है टेन्योर क्या होगा, जो कंपनी ने टेन्योर डिसाइड किया सब बराबर है क्या? बोले घंटा बराबर है, 4 साल निकाल दी उन्होंने, 36 महीने के ऊपर हो ही नहीं सकता। कहता है बताइए ये जो लोन एडवांस किया पी किशोर ने कंपनी को, क्या ये इसको हम डिपॉजिट माने कि नहीं माने? जो लोन दिया है डायरेक्टर ने उसको डिपॉजिट माने कि नहीं माने? नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे दिया कि उसने डिक्लेरेशन दिया है कि बोरोड फंड नहीं है, और कंपनी कौन सी? पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से अगर लोन लेती है और डायरेक्टर अगर डिक्लेरेशन देता है तो उसको डिपॉजिट मानना, आर यू श्योर? यही अगर ये पब्लिक कंपनी और डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन लेती और भले रिलेटिव लिख के देता कि उधार का नहीं, हम फिर भी डिपॉजिट मानते, क्योंकि भाई साहब हम पब्लिक कंपनी के केस पे अगर रिलेटिव से लोन ले रहे हैं तो हम उसको डिपॉजिट मानते हैं किसी भी कीमत पर। यही अगर प्राइवेट कंपनी होती और रिलेटिव से ले रहे और रिलेटिव डिक्लेरेशन देता तो भी डिपॉजिट नहीं मानते। याद आ रहा है? आर यू विद मी? चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। बेटा धन लग रही है, ए भाई पाटिल ये लोग ना साफ हो जाएंगे बेटा, बंद कर दे, है ना? हाँ, आधा ध्यान तो इनका ऐसे ही है, धन लग रहा है। क्वेश्चन बताते हैं, अरे हुडी लेके आया करो कल से, ऐसे मत बैठे करो बिल्कुल, मेरे को बहुत चिढ़ाता है कि तुम एसी में ध्यान दे रहे हो और पढ़ाई में नहीं दे रहे हो। अभी एक एसी बंद करेंगे, कुछ को गर्मी लगेगी, कुछ को ठंडी लगेगी, ऑप्शन नहीं है, पहन क्या करो, बरोबर है क्या? चलिए बड़े जीवन में आगे। एक तो वैसे ही क्लास 10 के हैं, हाँ चलिए आते हैं किस पे, 16 में क्या लिखा है? फाइन पब्लिशर है, कहाँ पे रजिस्टर्ड है? टोक्यो में। अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पे? 2009 पे। द कंपनी हैज ड्यूली सबमिटेड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। सीधी सी बात है भाई साहब, आप कहाँ के हो? टोक्यो में, इंडिया के हो तो 380 लगेगा आपको जब आप स्टेब्लिश कर रहे हो। फिर कहता है 1 मार्च 2023 को फाइन पब्लिशर वापस से शिफ्ट हो गई अपने प्रिंसिपल ऑफिस पे। पहले बोला 2009 पे, अरे 2009 पे आप कहाँ पे आए थे? इंडिया पे। और 2023 में कहाँ चले गए? वापस इंडिया के बाहर। यहां तक की बातें समझ में? अब कहता है क्या फाइन पब्लिशर को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे क्योंकि इनने अपने ऑफिस को चेंज किया? अगर हाँ तो अपने आंसर बताइए कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को ध्यान पे रखते हुए। कुछ याद आ रहा है भाई? 381 के अंदर बोलता है कि जैसे ही आपने प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश इंडिया में किया, वहां से 30 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है, चार्टर, मेमोरेंडम, आर्टिकल, डायरेक्टर, ये। फिर कहता है 381 के अंदर अगर कोई भी बदलाव आ रहा है तो 30 दिन के अंदर उसको FC2 में ROC को बताना है। कुछ याद आ रहा है? तो ये हो गया अल्टरेशन ऑफ द डिटेल्स गिवन अंडर सेक्शन 381। जो भी अल्टरेशन आएगा FC1 में बताना है। क्या तुम मेरे साथ हो? लेकिन तुमको ये याद नहीं आया जल्दी से, बराबर?
क्यों पता है? लैक ऑफ रिविजन। अभी तुरंत याद रहता कि हाँ टोक्यो की बात क्या, टोक्यो वाला इंडिया में आया तो सारे डॉक्यूमेंट दिया, मतलब 380 के हिसाब से दिया, फिर चले गया तो क्या चले गया, बंद कर दिया तो चेंज हुआ, भाई चेंज हुआ तो बताओ उसको। अरे हेलो, लिखता है ना, कोई भी अल्ट्रेशन अगर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने आरओसी को दिया तो 30 दिन में FC2 पे बताना है। तो क्या ये अल्ट्रेशन ही एक प्रकार का कि आपने खोला फिर बोरिया बिस्तर बांध के चले गए, तो चले गए तो बता दो, आए थे तो बताओ, जाए थे तो बताओ। अरे हेलो, रिविजन करना जरूरी है ना, गुड, ऐसे रियलाइज होना चाहिए, बरोबर है क्या? चलिए फिर आते हैं अपन किस पे, मोहित है। कौन है? मोहित। मोहित क्या है? हाँ सर, मैं 380 बोला ना राजा। हेलो, ये वाली जो बात है भाई, तू टोक्यो से इंडिया आया तो 382 थोड़ी लगेगा तेरे को, सॉरी 381, मैं 380 की बात कर रहा हूं, मैं तो 381 बोला क्या, तो 380 की बात कर रहा हूं मैं, 81 नहीं, मेरे मुंह से निकल गया होगा, गलती से मेरे मुंह से निकल गई होगी, मेरे माफ कर देना। तो 381 पे आप डॉक्यूमेंट देते हो और उसके बाद इस पे कोई भी अल्ट्रेशन आता है तो 30 डेज में आप किसको देते हो? FC2 पे किसको? रोजी को। अरे आर यू श्योर? अबे तुमको ये याद आ रहा है? रोज क्लास आओगे, रिविजन करोगे, टेस्ट दोगे तो ही याद आएगा, नहीं तो ऐसी मट्टी जमते रहेगी ऐसे ही। इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा है भाई ये क्या पढ़ा रहा है, ऐसा भी था कुछ? हाँ ऐसा ही था। चलिए मोहित में आ जाए, चलिए ठीक है, चलिए मोहित में आते हैं। मोहित क्या है? क्रेडिटर, ठीक है। किसका है? एबीसी एलएलपी का। भाई ऐसे चालू कर दे, मेरे को गर्मी लग रही है, थोड़ा सा टेम्परेचर बस बढ़ा देना, ठीक है। ही हैज अ क्लेम ऑफ रुपीस कितना? 10 लाख। कितने का क्लेम है उसका? 10 लाख का, अगेंस्ट द एलएलपी। हाउएवर द असेट ऑफ द एलएलपी आर वैल्यूड एट ओनली कितना? 7 लाख। तो कहता है कि देखो मोहित एक क्रेडिटर है, 10 लाख रुपए का क्लेम है एलएलपी के अगेंस्ट, लेकिन असेट जो है एलएलपी की कितनी आ रही है? 7। अब मोहित चाहता है कि वो होल्ड करे पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी को पर्सनली अकाउंटेबल फॉर द शॉर्टफॉल ऑफ कितना? 3 लाख अंडर द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट। क्या मोहित डिमांड कर सकता है डेफिशिट पार्टनर से? हाँ, नहीं कर सकता। कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन नंबर 28 और सेक्शन नंबर 29, 27 और 28 बोलते हैं क्या? एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी और एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो 27 में बोलता है कि एलएलपी की लाइबिलिटी तब होती जब पार्टनर ऑथराइज एक्ट करता है, और पार्टनर तब लायबल होता है जब वो ऑथराइज एक्ट में करता है। इसी के अंदर आपको एक बात लिखी 27 के अंदर कि जो एलएलपी की लायबिलिटी वो सोलेली एलएलपी की ही लायबिलिटी है, और अपनी प्रॉपर्टी बेच के ही वो पे करेगी। और फिर किस बात का लिमिटेड लायबिलिटी अगर पार्टनर लायबल कहलाएंगे अगर, तो फिर किस बात की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप? तो सरल शब्दों में बोले तो सेक्शन नंबर क्या लगता है? 27 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो एलएलपी लायबिलिटी की सोल लायबिलिटी किसकी है? एलएलपी, जो कि वो अपनी प्रॉपर्टी से क्या करेगा? रीपे। और पार्टनर लायबल होने वाले नहीं है। अब तुम मेरे साथ हो, तो जो क्रेडिटर है वो 3 लाख रुपए के लिए एलएलपी के पार्टनर से कॉन्ट्रीब्यूशन मांग नहीं सकता। पक्की बात है क्या दोस्तों? ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए ये वाले जीवन को रहने देते हैं। चलिए ये हो गया हमारा कौन सा बाबा? आरटीपी। मूव ऑन करते हैं किस पे? एमटीपी पे। क्या तुम मेरे साथ हो दोस्तों? एक एमटीपी मैं बताना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट ने जो दिया था, पहला एमटीपी इनने दिया था, पहली सीरीज जो थी कहाँ पे? मार्च 2024, बरोबर। इसके बाद कौन सी आएगी? अप्रैल की। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुन रहे हो? चलिए क्या लिखता है? सिल्वर है। क्या है? सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड। इनकॉर्पोरेट हुई है कहां पे? 2016 पे। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे? गुरुग्राम हरियाणा पे। फिर उसके बारे से ऑथराइज शेयर कैपिटल बताया, बहुत अच्छी बात है। रबर पार्ट्स को वो मैन्युफैक्चर करती है, भी अच्छी बात है। फिर कहता है राज एंड पवन जो है ये कंपनी के क्या है? डायरेक्टर्स। राज और पवन क्या है? डायरेक्टर्स है। मिस्टर सिद्धार्थ जो लड़के हैं किसके? डायरेक्टर के, यानी कि राज का जो लड़का है सिद्धार्थ नाम है उसका, वो 8 जनवरी 2022 को 50 लाख रुपए का लोन दिया है कंपनी को 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से, जो कंपनी 36 मंथ में वापस करने की बात कर रही है, बरोबर है एवरीबॉडी? ठीक है। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इंटेंड्स टू एक्सेप्ट व्हाट? डिपॉजिट ऑफ रुपीज 60 लाख फ्रॉम इट्स मेंबर्स for the purpose of expansion of its business, ठीक है।
The financial particulars of the company are as follow. Paid up share capital 50, free reserve 20, security premium कितना 10, ठीक है? Borrowing bank से कितने का है 65 लाख का, turnover कितने का है 200 लाख का. As on the date of acceptance of deposit, the company has not defaulted in repayment of borrowing along with the interest. यानी कि जब वो accept कर रही है deposit, उस वक्त जब वो accept कर रही है deposit, उस वक्त उसने repayment में कोई default किया नहीं है. थोड़े से फैक्ट लिख लो ताकि आपको इजी आएगा लिखने में. मैं बोलते जाता हूं, सबसे पहले नाम लिखेंगे सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड, बरोबर है? सबसे पहले क्या नाम लिखेंगे? सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड, बरोबर है दोस्तों? सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. उसके बाद आप लिखना कि राज और पवन डायरेक्टर से लिखना, राज और पवन डायरेक्टर से. और सिद्धार्थ ने 50 लाख का लोन दिया है, तो सिद्धार्थ कौन है? सन ऑफ राज, ठीक है. और रीपेड है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ का, मतलब ऐसा नहीं कि 36 महीने बाद दे रहा है, उनका सीधा मुद्दा है कि 36 महीने के बाद, मतलब 36 मंथ हुए दे देंगे, यानी कि मैक्सिमम पीरियड के लिए, बरोबर है क्या? ठीक है, तो 36 मंथ. और प्रपोज्ड डिपॉजिट जो है मेंबर से वो 60 लाख का है. प्रपोज्ड डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स कितना है? 60 लाख का, बरोबर है दोस्तों? ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है? और एक लिख लेना, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ठीक है दोस्तों? नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ठीक है. अब जो बोलूंगा फटाफट लिखना, पीयूएससी 50 लाख, एफआर 20 लाख, एसपी 10 लाख. पीयूएससी 50 लाख, एफआर 20 लाख, एसपी 10 लाख, बोरोइंग फ्रॉम बैंक 65, टर्नओवर 200 लाख, बरोबर? हटा दो इसको, इसलिए जब बोलता हूं तब सुन के लिखा करो फटाफट, ठीक है. चलिए बड़ो जीवन में आगे. नाउ इतने फैक्ट के बेसिस पे आपको आंसर करना है, ध्यान रखना. लिखता है कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, क्या है? कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को दैट दे नीड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर फॉर ऑडिट ऑफ द कंपनी. ऐसा कंपनी सेक्रेटरी बोलता है किसको? डायरेक्टर्स को. बोर्ड बोलता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑलरेडी है हमारे पास जो ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर? सही बोल रहा है ना पलक? सही बोल रहा है ना? ये चैप्टर में आई थी क्या तू? चैप्टर नंबर 10 नहीं आए थे ना, है ना? चैप्टर नंबर 10 में आए थे कि नहीं आए थे? अरे आए थे, डिसाइड कर ले पहले. आप तो ऐसे हवा में हाँ मत बोल, तेरे चलते दूसरे गलत करेंगे. फर्स्ट लेक्चर में नहीं था ये, सुनना. आते हैं यहां तक हुआ चीजें. द कंपनी रिक्वायर फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कंपनी को क्या चाहिए? पैसे की जरूरत वर्किंग कैपिटल के लिए. तो कंपनी ने अप्रोच किया एक बैंक को कि भाई हमको वर्किंग कैपिटल दे दो, कितने का? 65 लाख का, और ये लोन सिक्योर्ड है पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे, लोन ऑफ रुपीज 65 लाख सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर. लोन ऑफ रुपीज 65 लाख सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर, पक्की बात है दोस्तों? बड़ू जीवन में आगे. अब आपको आंसर करना है कि भाई जो एडवांस मिस्टर सिद्धार्थ ने सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, जो एडवांस सिद्धार्थ कौन है? डायरेक्टर का लड़का. क्या हम उसको डिपॉजिट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे तो क्यों मानेंगे, नहीं मानेंगे तो क्यों मानेंगे? ऐसे चार ऑप्शन दिया. इसको डिपॉजिट मानेंगे क्योंकि लोन इज एडवांस बाय सिद्धार्थ, जो डायरेक्टर भी नहीं और शेयर होल्डर भी नहीं, पहला बोलता है. दूसरा, इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट एंड द लोन इज गिवन बाय रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर. तीसरा, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट एज मिस्टर सिद्धार्थ हैज गिवन लोन टू द कंपनी एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%. डी, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट एज मिस्टर सिद्धार्थ गिव्स अ रिटर्न डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द लोन इज एडवांस फ्रॉम हिज ओन सोर्स नॉट फ्रॉम बोरोइंग डिपॉजिट. एंड हाँ, कौन सा आंसर है? डी, सिंपल है. आर यू श्योर? तो लिख लो फर्स्ट का आपने डी किया ताकि हम बाद में क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है? यहां तक की चीजें क्लियर है? सो फार सो गुड. मैं जाता हूं किस पे? सेकंड में.
कहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट किससे, मेंबर से, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला, सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मोर देन पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 लाख। अपने को क्या पूछा है बाधा में, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ 60 लाख फ्रॉम मेंबर्स एज इट इज लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। कितना पेड अप शेयर कैपिटल बताएंगे, 50 लाख, तो इसको मैं कर लेता हूं कितना, 100 लाख, विच एवर इज लेस, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा, सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ मोर देन हायर ऑफ द एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व 70 लाख एंड बोरिंग इज कितना है, 65। सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट मोर देन एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर एंड रिजर्व व्हिच इज 70 लाख। मेरे को तो ये बिल्कुल वही याद लग रहा है, मेरे को ये भी बिल्कुल वही याद लग रहा है, क्योंकि हम पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीज और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट देखते हैं पूरा, और प्राइवेट कंपनी को तो 100% तक अलाउड होता है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी, अरे ऐसी जो किसी की ना तो होल्डिंग है ना तो किसी की सब्सिडरी है, दूसरा उसका पेड अप शेयर कैपिटल का 2x 100 लाख और 50 करोड़ दोनों में से जो भी क्या है कब उससे विलंब आपका क्या है लोन, और तीसरा बोल दिया रीपेमेंट कभी डिफॉल्ट किया, और यहाँ पे तो बिल्कुल वही याद बात कर रहे हैं 50 लाख की, तो सही आंसर क्या है बी, क्लैरिटी आ रही है, इसीलिए सारी बात लिखवा दिया था कि डिफॉल्ट भी नहीं किया, ऊपर से प्राइवेट कंपनी है, क्वेश्चन में कहीं डेटा भी नहीं बताया कि ये किसी की एसोसिएट या सब्सिडरी है, बरोबर है, और ये भी बता दिया कि भाई इसका पेड अप शेयर कैपिटल का 2x और टर्नओवर दोनों में से जो भी कम है लोन भी क्या है कम, सो राइट आंसर विल बी बी, आर यू विथ मी। चलिए, The Silver Private Limited required to appoint internal auditor? ये आंसर आप करेंगे, सारे फैक्ट आपके सामने हैं, बताइए ओम, करना पड़ेगा टर्नओवर दो है ना, तो यहाँ पे कितना है देख, 200 करके इनने क्या कर दिया लाख, जबकि बोला है टर्नओवर होना चाहिए 200। ऐसे भी साइकोलॉजिकल ये लोग खेलते हैं। सो द आंसर इज सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एज टर्नओवर इज लेस देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। कितना है टर्नओवर, 200 ना, अच्छा पेड अप इनका डिपॉजिट और डिपॉजिट वाला और पेड अप तो इनका देखते ही नहीं है, पर प्राइवेट कंपनी में हम 100 और 200 देखते हैं, 100 होना चाहिए आपका लोन वाला, उसका कोई बात ही नहीं है, और आपका 200 होना चाहिए टर्नओवर, तो यहाँ पे 200 लाख है, 200 करोड़ नहीं है, तो इसलिए अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, पक्की बात है क्या। चलिए ठीक है, शिखा शर्मा कह रही है कि पहला वाला बता दो। बेटा पहले वाले में क्या बताऊं, पहले वाले में बोलता है कि भाई एडवांस सिद्धार्थ दिया जो डायरेक्टर का रिलेटिव है, और प्राइवेट कंपनी अगर डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन लेती है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानना है, अगर डायरेक्टर का रिलेटिव क्या देता है डिक्लेरेशन कि ये पैसे मैं उधार लेके नहीं दे रहा हूं, ये मेरे खुद के पैसे, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, तो इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। चलिए चौथे में चलते हैं, किस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ रुपीज 65 लाख। आप ही आंसर करेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ें, सारा डेटा मैंने आपको लिखवा के दे दिया है कि क्या करना है बताइए। भाई तुमको नहीं लगता इसका आंसर तुमको पट से आ जाना चाहिए, बोल भाई, बी, सीधी सी बात, सेक्शन नंबर 77 बोलता है चार्ज इज अ लीन और इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी असेट और अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, उस पे अगर क्रिएट कर रहे हो तो चार्ज को रजिस्टर कराना है, अब तुम पर्सनल गारंटी में ले रहे हो तो कंपनी के असेट में कितना चार्ज क्रिएट किए तुम, इसका क्वेश्चन भी किया हम लोग चार्ज वाले बुलसाई के अंदर कि पर्सनल गारंटी के ऊपर है तो उस पे चार्ज रजिस्टर करने की जरूरत, क्योंकि जब तक चार्ज कंपनी की असेट प्रॉपर्टी या अंडरटेकिंग में नहीं है तब तक 77 लगता ही नहीं है, तुमने पर्सनल गारंटी से ले लिया बात खत्म हो गई, क्या तुम मेरे साथ हो। फिर आता है द मैनेजमेंट ऑफ सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन प्रपोज चाहती है कि भाई वो क्या बन जाए एज अ स्मॉल कंपनी, आपको बताना है कि क्या उनका प्रपोजल वैलिड है, कि क्या सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी बन सकती है, बताना तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 50 लाख, टर्नओवर कितना है, तो क्या वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है, अरे ले सकती है, हाँ आदित्य जी ले सकती है, अरे सार मेरे को नहीं पता है, हाँ तो देखो क्या है प्रपोजल वैलिड होगा क्योंकि प्राइवेट कंपनी ले सकती, फिर कहता है नॉट फुलफिलिंग, तीसरा ये वाला होना चाहिए,
प्रपोजल इज वैलिड एज द सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड इज फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बिल्ड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर व्हिच इज इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। बरोबर है सबके एमसीक्यू के, आपने आंसर नोट किए क्या? फर्स्ट वाले का आपने किया डी, सेकेंड वाले का किया है आपने बी, और थर्ड वाले का किया आपने डी, फोर्थ वाले का किया है बी, और पांच वाले का भी क्या किया है सी। बरोबर है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर एक साथ सारे एमसीक्यू चेक कर लेंगे। फाइनेंशियल पर्टिकुलर से किसका? एबीसी लिमिटेड का। इन रिस्पेक्ट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर इज अंडर, क्या क्या है? नेटवर्थ 280 करोड़ का, टर्नओवर 550, नेट प्रॉफिट 5.50 और बोरिंग कितना है 60। बताइए क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेबल रहेगा? हाथ उठा के बताना है, क्या सीएसआर एप्लीकेबल रहेगा? बोलिए ओम जी। क्योंकि नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर है, तो कहता है या तो नेटवर्थ आपका कितना होना चाहिए, 500 करोड़ नेटवर्थ, टर्नओवर 1000 और नेट प्रॉफिट 5 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनका 5 करोड़ और मोर क्या है, नेट प्रॉफिट, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, एबीसी लिमिटेड इज हैविंग अ नेट प्रॉफिट, ये वाला। तो 6 का आंसर क्या लिखोगे, सी वाला। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फटाफट, मैं जाता हूं 7th में। 7th कहता है व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज द रिक्वायरमेंट फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी कौन सी परिस्थिति रहेगी जहां पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, वेव हो जाएगी, और कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा सीएसआर के लिए? कुछ याद आ रहा है कि आपको एक लिमिट बताया था? हाँ बता, आंसर क्या है? 50 लाख। तो देख चारों में से कौन सा ऑप्शन बैठ पा रहा है, देख तो थोड़ा सा, यही वाला। बड़ी सीधी सी बात है कि कहता है अगर आपका जो अमाउंट टू बी स्पेंड है किस पे, सीएसआर में, अगर वो 50 लाख को एक्सीड नहीं करता है तो उस परिस्थिति में आपको सीएसआर कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही काम कर लेंगे उस पे। क्या तुम मेरे साथ हो? तो 7th का ए कर लो। ठीक है, चलो पूरे 7th के 7th एमसीक्यू चेक कर ले एक बार फटाफट। चलो बताना, पहले वाले का क्या है बोलो, डी, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का, बी और डी, बी सही जा रहे हैं ना, फिफ्थ वाले का और सिक्स वाले का और 7th वाले का, बस हो गए इतने ही बनाए अभी। अभी आगे बढ़ते हैं जीवन में, ध्यान से इस बात को समझना। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे क्या कहता है कि भाई विद्या मास्टरमाइंड एलएलपी है, क्या है? विद्या मास्टरमाइंड एलएलपी। इसमें से थोड़ा सा अदर लॉ का तड़का आएगा तो मैं वहां पे आपको बता देगा, बस कर लेना। विद्या मास्टरमाइंड क्या है? एक एलएलपी। इनकॉर्पोरेटेड है कहां पे? 15 अप्रैल 2023 पे। ठीक है, सागर मंथन विष्णु वासुकी, ये पार्टनर है किसमें? फर्म पे। फटाफट लिखेंगे नाम, सागर मंथन विष्णु वासुकी। ठीक है, विद्या मास्टरमाइंड नाम है इनका, ये नाम भी नोट करना और चारों पार्टनर का नाम नोट करना। नाम भी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तड़का एलएलपी का, थोड़ा सा तड़का अदर लॉ का है। बराबर है, मजा आएगा आपको करने में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बोलू क्या, आर यू श्योर? ठीक है, तो विद्या मास्टरमाइंड क्या है? एलएलपी। इनकॉर्पोरेट हुई है 15 अप्रैल 2023 को। सागर मंथन विष्णु एंड कौन है? वासुकी। ये इसके कौन है? पार्टनर्स। अपने चारों का नाम लिख लिया। ठीक है, जहां पे आपने सागर और मंथन का नाम लिखा है वहां पे दोनों को एरो करके लिखे कि ये कंपनी के डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है, सॉरी एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है 30 अप्रैल 2023 को सम मिस्टर विद्या रमन तोलारमानी, बराबर है, विद्या राम तोलारमानी एक एप्लीकेशन करते हैं किसको, रजिस्ट्रार को, कि उसका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है किसके नाम से, विद्या मास्टर के नाम से। ठीक है, विच ही हैज गॉट रजिस्टर्ड बिफोर 15/4/2023 और ये कब इनकॉर्पोरेट हुई है, 15 अप्रैल। और ये कहता है कि भैया मैं 15 अप्रैल 23 के पहले विद्या मास्टर का क्या रखता हूं, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आर यू श्योर? सो देयरफॉर द एलएलपी विद्या मास्टरमाइंड्स एलएलपी शुड चेंज इट्स नेम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक इन्वेस्टिगेशन रजिस्ट्रार को लगा कि हाँ मिस्टर विद्याराम तोलारमानी करेक्ट है और रजिस्ट्रार ने डायरेक्शन दे दिया मास्टरमाइंड को कि तुम अपना नाम चेंज कर लो क्योंकि टू नियरली रिजेंबल कर रहा है विद द ट्रेडमार्क ऑफ मिस्टर विद्याराम तोलारमानी। क्या तुम मेरे साथ हो? द नोटिस वॉज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑन 5th May 2023। पाटिल एसी का टेम्परेचर गिरा, कितने में है? हाँ 20 कर उसको। ठीक है, द नोटिस वॉज इशूड बाय द रजिस्ट्रार कब? 5 मई 2023
बाय पोस्ट बट ड्यू टू सम इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट नोटिस रीच एलएलपी को कब 10 तारीख को बरोबर है क्या? तो आप पहले ये डेट लिखना शुरू कर लो कि आरओसी ने नोटिस दिया 5 को, पहुंचा कब को 10 को, नोटिस दिया 5 को, पहुंचा कब 10 को, ठीक है। बड़ू जीवन में आगे फिर कहता है विद्या मास्टरमाइंड एलएलपी ने इग्नोर किया ये नोटिस को और कंटिन्यू किया वर्किंग इन द सेम नेम, फिर गुस्सा तो आएगा ही सीजी को और सीजी ने पावर दिया हुआ है आरओसी को, तो आरओसी क्या करेगा, नया नाम देगा, चेंज नहीं करेगा, नया नाम देगा, बरोबर। तो 15 अगस्त को नाम, फिर डेट डाल दो वापस से, 15 अगस्त 2023 को रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया, सुओ मोटो, रजिस्ट्रार ने क्या कर दिया, सुओ मोटो अलॉट कर दिया नाम और नया नाम दे दिया साहित्य मास्टरमाइंड एलएलपी। क्या नाम दे दिया? साहित्य मास्टरमाइंड एलएलपी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इस नाम से कंपनी अब एलएलपी अब कंफर्टेबल नहीं है तो उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी कि नाम हम चेंज करेंगे, तो जो आप कर सकते हो कोई बात बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, मीनवाइल विष्णु वाज अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर इन विद्या मास्टरमाइंड्स, बरोबर, लिखेंगे एक नया पार्टनर आ गया है, विष्णु को अपॉइंट किए 25 जुलाई को, कब अपॉइंट किए 25 जुलाई 2023 को विष्णु को अपॉइंट किए, अच्छा विष्णु को डीपी बनाए, बराबर, तो विष्णु को क्या बनाया है, डीपी बनाए, तो पहले डीपी कौन थे, राम और मंथन, चारों ही थे, सागर और मंथन, चारों कहां से थे बे बेल, हाँ सागर था और कौन था, चारों ही थे बोले डीपी, अब चारों था तो फिर विष्णु को बना क्यों रे, हाँ वही तो तू सोच के आ गए, हाँ सुन, हाँ 25 मैं भी बोला, मैं कहा भाई विष्णु का पान, चारों भी बोले, हाँ कैसे भाई, 25 जुलाई 2023, बट दिस इंफॉर्मेशन वॉज नॉट सेंड टू द रजिस्ट्रार, पक्की बात है, 20 जून को दूसरी डेट डालेंगे, 20 जून 2023 को बराबर है, वासुकी हेड गिवन अ रिटर्न नोटिस, मतलब रिटायरमेंट ले रहा है, कुल मिला के वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिख दो कब, 20 जून को, 20 जून 2023 को क्या ले रहा है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, ठीक है, और 20 जून को दे रहा है लेकिन इफेक्ट कब से लेगा, 22 जुलाई, क्योंकि 30 दिन पहले देना पड़ता है नोटिस, कोई याद आ रहा होगा सेक्शन नंबर 24 सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, बराबर, दिस सेसेशन फ्रॉम द एलएलपी वाज नॉट इन्फॉर्म बाय इधर एलएलपी और बाय मिस्टर वासुकी, तो लिख दो नॉट इन्फॉर्म टू आरओसी, ठीक है, डन दोस्तों। अब इसके बेसिस में आपको एमसीक्यू करना है, डेटा सारा आपके सामने है और आपको आंसर करना है, बोलू क्या मैं, When the registrar directed Vidya Mastermind to change its name, by which date the LLP should have changed the name of LLP? Answer करेंगे फटाफट, time pass बिल्कुल नहीं। चार option दिए हैं, बताइएगा date। 3 महीने में change करना होता है direction से, कब direction मिला है? 5 मई को direction मिला है मैडम, receive 10 को हुआ है, बराबर है, 5 मई को क्या मिला है direction, 10 मई को क्या मिला है रिसीवल उसका ऑर्डर का, तो आपको 5 मई से लेके, तो आप जून जुलाई अगस्त, तो 5 अगस्त विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ डायरेक्टर, या तो 10 अगस्त जहां से आपको रिसीव हुआ है एनी टाइम, और कहता है नॉट लायबल, तो आपका जो आंसर है मेरे ख्याल से ए और बी में खेलेगा, तो बताओ फिर ए और बी में कौन सा, ए होगा, क्यों, रिसीट से नहीं है, इश्यू ऑफ डायरेक्शन से है, हमने भी यही पढ़ा है, डायरेक्शन देने से 3 महीने, रिसीट से नहीं, जब से डायरेक्शन दिया वहां से 3 महीने, तो आंसर क्या रहेगा, 8th का ए, विष्णु वाज अपॉइंटेड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन विद्या मास्टरमाइंड एलएलपी ऑन 25 जुलाई 2023, डीपी आप बुलाएगा उसको, बाय व्हाट टाइम लिमिट द एलएलपी शुड हैव इन्फॉर्म्ड द रजिस्ट्रार, इसके बारे से आपको कितने दिन में बताना है, 15 दिन में, 30 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, मतलब ए बी सी डी कहां से बताना है, ए बी सी डी बताएंगे, अच्छा बताओ इसमें 25 लगेगा, 25 का 1 लगेगा कि 2 लगेगा, 1 तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, 2 लगेगा, क्योंकि आपका
एक पार्टनर को आप अपॉइंट कर रहे हो, तो भाई टू के अंदर कितना दिन बोला है? 30 दिन। इतना क्यों सोच रहे हो उस पे? बरोबर है क्या? तो अगर मैं उसको अपॉइंट कब किया है भाई, 25 जुलाई को, तो आपको 25 अगस्त तक 30 दिन के अंदर बताना है। 9th का क्या रहेगा? बी। अरे हाँ, किसी का आंसर सी आ रहा है। 1 मंथ नहीं दिया है, 25 के अंदर 15 दिन पार्टनर के लिए और 30 दिन किसके लिए? LLP के। तो 1 मंथ तो बोला ही नहीं, कितना बोला है? 30 दिन। ठीक है, चलिए ये वाला अगर किसी ने आंसर दे दिया तो वो जंग जीत गया समझ लेना। मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, और ये इसने जिसको दे दिया आंसर, आप समझ लेना उसका रिविजन तगड़ा है, और वो समझ लेना एग्जाम में 90% की प्रोबेबिलिटी नहीं है पास होने की, उसकी 100% की प्रोबेबिलिटी अगर ये आंसर करता है तो। Whether Mr. Vasuki will be liable for penalty for not intimating the registrar about the appointment of Vishnu as designated partner? अब Vasuki कौन है? जिसने retirement का notice दे दिया है। कब दिया notice? 20 जून को, कि कब से नहीं रहूंगा? 22 जुलाई से नहीं रहूंगा। लेकिन इसके लिए भी ROC को कोई intimation नहीं था, बरोबर है? 4 में से देखो, ऑप्शन देखो, Vasuki liable रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा बोल रहा था, तुम यस बोले, वो सहम गई, बोले ये लोग गलत बोल रहे हैं, मेरे को अपना आंसर बदलना पड़ेगा। दूसरे का मत देखो, दूसरा फेल करवा देगा तुमको, तुम तुम्हारा आंसर देखो, नहीं रहेगा लायबल। किसको किसको लग रहा है लायबल नहीं रहेगा? अब दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, इसका मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ध्यान से समझना, मैं अगेन इसको थोड़ा सा इजी आपके लिए कर देता हूँ। बात चल रही भाई विद्या मास्टरमाइंड की, जो 15 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई थी। सागर और मंथन पहले से डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, विष्णु जो है वो 25 जुलाई 23 को अपॉइंट किया गया उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, लेकिन ROC को इन्फॉर्म नहीं किया। अब जो वासुकी है, वासुकी ये 4 पार्टनर पहले से थे, तो सागर मंथन डेजिग्नेटेड पार्टनर पहले से थे, विष्णु और वासुकी सिर्फ पार्टनर थे। विष्णु को 25 जुलाई 2023 को अपॉइंट किया गया एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और जो वासुकी है, वासुकी ने एक रिटर्न नोटिस दिया था 20 जून 2023 को कि भाई मैं 22 जुलाई 2023 से रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं पार्टनर नहीं रहूंगा, बराबर। तो उसने 20 जून को राइटिंग में नोटिस दिया था कि मैं 22 जुलाई से अब पार्टनर नहीं रहूंगा। ना तो इस बात की जानकारी ROC की थी, ना तो इस बात की जानकारी थी। आपने विष्णु को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया, इसके बारे से कोई जानकारी नहीं दी ROC को, ठीक है। वासुकी जो है 22 जुलाई से पार्टनर नहीं रहेगा, यह भी जानकारी ROC को नहीं दी गई। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, वासुकी भाई साहब आपने 20 जून को ही नोटिस दे दिया था, 22 जुलाई से तो पार्टनर ही नहीं कहला रहे थे क्योंकि आपने नोटिस दे रखा था, और आपके जाने के बाद 25 जुलाई 23 को विष्णु को अपॉइंट किया गया एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब कह रहा है कि क्या वासुकी लायबल रहेगा? क्या वासुकी लायबल रहेगा ROC को? ROC को क्या वासुकी लायबल रहेगा? क्योंकि जानकारी ROC को यह नहीं पहुंची कि विष्णु डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हो चुका है, यह बात आपने ROC को नहीं बताई है। तो भाई ये बात ROC को बताने वाली जो बात है, या तो विष्णु खुद बताएगा क्योंकि वो खुद DP है, या तो सागर मंथन या LLP, सरल शब्दों में बोले तो LLP बताएगी, ये LLP की जिम्मेदारी है। कहीं पे भी प्रावधान ये नहीं है कि जो नॉर्मल पार्टनर यानी जो DP नहीं है वो लायबल रहेगा इस बात के लिए कि तुमने ये नहीं बताया कि तुमने किसी को DP अपॉइंट किया। अब सवाल एक और आता है कि सर देखो, भले उसने 20 जून को नोटिस दिया, 22 जुलाई से सर वो पार्टनर नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म भी तो नहीं किया ना ROC को, और अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो ROC को तो सेक्शन नंबर 24 है, 24 जो बात करता है सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट, उस पर एक बात निकल के आती है कि भाई तुम लायबल रहोगे थर्ड पार्टी को जब तक तुमने नोटिस नहीं दे दिया अपने रिटायरमेंट का। तो या तो थर्ड पार्टी को पता है कि भाई तुम पार्टनर नहीं हो, या थर्ड पार्टी को यही नहीं पता जिससे वो डील कर रहा है वो पार्टनर है कि नहीं है, या तो तुमने ROC को नोटिस दे दिया, तो ऐसा आपने कुछ किया नहीं था। तो एक प्रकार से आप कंटिन्यू पार्टनर तो कहला ही रहे हो, बट कंटिन्यू पार्टनर कहला तो रहे हो इसकी वजह से तुम इस चीज के लिए लायबल रहो कि भैया विष्णु जो है अपॉइंट हुआ था डेजिग्नेटेड पार्टनर, और इसकी जानकारी ROC को नहीं पहुंची, तो उसके लिए ये वासुकी क्यों लायबल रहेगा भाई? तो इसका आंसर अगर मेरी जानकारी में अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो रहेगा वो डी वाला रहेगा, नो इन एनी केस मिस्टर वासुकी विल नॉट बी लायबल।
ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर बी वाला दिया है, बट मेरी जानकारी में बी वाला आंसर उचित नहीं रहेगा। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा कुछ आ गया तो हम क्या करेंगे। भाई आपको डी ही करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे इमटेरियल टाइप की गलती लग रही है कि भाई जस्ट बिकॉज फॉर्मर पार्टनर को तुम आज भी पार्टनर मानोगे एलएलपी का, जब तक नोटिस डिलीवर नहीं हो जाता बाय अ फॉर्मर पार्टनर, तो भाई ठीक है उसको तुम पार्टनर मान रहे हो, लेकिन कोई व्यक्ति विष्णु नाम का डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हुआ, इसकी जानकारी नहीं गई आरओसी को, तो उसके लिए आम पार्टनर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है वो कैसे लायबल होगा। तो मेरी जानकारी में इसका आंसर डी होगा और आपको भी डी ही लिखना है। दोस्तों केस सिनारियो तीन शुरू करते हैं, बड़ा ही प्यारा सिनारियो सुनिएगा। कहता है टेक इंस्पिरेशन प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है 30 जून 2018 को। इसका मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि ये गाइडेंस क्लासेस देती इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को। इसके लिए उन्हें कोचिंग सेंटर फ्रीडम प्लाजा नियर भगवान टॉकीज बाईपास रोड आगरा में खोला। ये प्रेमाइसेस इनकी खुद की है। कंपनी ने एक एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट कमिटी बनाई हुई है ताकि सिस्टमेटिकली सिलेक्शन हो पाए एम्प्लॉयज का, इंक्लूडिंग फैकल्टीज का, कि वो ढंग से पढ़ा पाए, एम्प्लॉय मैनेज कर पाए। तो कहता है पहले स्लैब में, फर्स्ट स्लैब में कमिटी ने 9 टीचर्स और 3 क्लेरिकल स्टाफ को अपॉइंट किया और एक प्यून को अपॉइंट किया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि ओपन करना है ब्रांच ऑफ द कंपनी एट नियर बाय सिटी आगरा। तो कहता है एक्सपांशन के लिए ब्रांच ओपन की गई एट नियर बाय सिटी आगरा, ठीक है। बहुत रिसर्च के बाद उनको डिसाइड हुआ कि अपन ब्रांच खोलेंगे भरतपुर में, ठीक है। भरतपुर जस्ट 50 किलोमीटर है आगरा से, और कंपनी ने रघुराम मीना जो कि भरतपुर पे एक लैंड के ओनर थे, जो लैंड सूटेबल था इनकी कंपनी के लिए, तो रघुराम मीना ने अपना लैंड 10 साल के लिए लीज पे दे दिया टेक इंस्पिरेशन प्राइवेट लिमिटेड को, ताकि आप यहां पे ब्रांच खोल पाए। अब लैंड के अंदर एक स्मॉल टेम्पल था गणेश जी का, सेंटर के अंदर कंपनी ने उस लैंड के अंदर क्लासरूम कंस्ट्रक्ट किया और बहुत सारे स्टूडेंट ने उस कोचिंग क्लास को ज्वाइन किया। इसके अलावा टेम्पल ने भी कुछ इनकम जनरेट की, यानी कि कोचिंग क्लास में जो धंधा हुआ जो हुआ, कोचिंग क्लास के अलावा जो टेम्पल था वहां पे भी कुछ इनकम जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ चढ़ावा, जिसको हम बोलते डोनेशन। सो रघुराम मीना ने बोला कि जो टेम्पल की इनकम है ना ये उसकी है, क्लेम द इनकम। उसने ये बोला कि भाई मैंने लैंड आपको लीज में दिया था, मैंने आपको टेम्पल लीज पे नहीं दिया था, बराबर। अब एक प्रॉब्लम और आती है, जो इंप्लॉई अपॉइंटमेंट कमिटी है उन्होंने नोटिस किया कि एक फैकल्टी जो है नितेश गुप्ता वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे। इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसकी ड्यूटी जो है टर्मिनेट कर देते हैं 31 जनवरी 2024 से, कि भाई आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, आप बोरिया बिस्तर बांधो और घर जाओ। और उसको नोटिस दे दिया टर्मिनेशन का बाय प्रॉपरली एड्रेसिंग एंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, properly addressing and by registered post to Mr. Nitesh Gupta. अब जो Nitesh Gupta है वो refuse कर रहे to accept the notice और वो return back कर रहे उसको postman को कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, इसको वापस ले जाओ। दो महीने बाद 1/4/2024 को Nitesh Gupta suit file करते हैं company के खिलाफ कि भाई मुझे मेरी salary दो। 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक की मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। क्योंकि उनको तो देखो यहां से 31 जनवरी 2024 से तुमको बोल रहे थे कि तुम नमस्ते कर लो, लेकिन वो नमस्ते किए ही नहीं क्योंकि वो नोटिस ही एक्सेप्ट नहीं किया। अब कहते 1/1/2024 से लेके 31 मार्च 2024 तक मुझे मेरी क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने दो रीजन बताए कि मेरे को क्यों मेरी सैलरी चाहिए। पहला, जो एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट कमिटी है वो स्टेब्लिश हुई थी जस्ट अपॉइंट करने के लिए, उनके पास कोई अधिकार नहीं था कि वो टर्मिनेट कर पाए, उनका काम सिर्फ अपॉइंट करने का था, निकालने का नहीं। और नितेश गुप्ता ने बोला कि मैं रिफ्यूज कर दिया था, मैंने नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ही एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे नोटिस प्रॉपरली सर्व नहीं था, ऐसा विद द कंटेंशन दैट इट वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व टू हिम। ये दो कारण थे। अब आपको इसके बेसिस पे आंसर करना है कि क्या रघुराम मीना करेक्ट है, क्या वो इनकम ऑफ जो टेम्पल है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इस पे चार ऑप्शन है, मैं सीधा सही वाले ऑप्शन में आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। तीसरा वाला ऑप्शन सही,
अगर आपको याद होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर दिया हुआ है, जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर कहता है कि भैया लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ही है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो भाई साहब जो लैंड दिया ये मीना भाई साहब ने, उसके अंदर टेम्पल था, तो लैंड 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 में जो टेम्पल था वो क्या है, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो ये किसको मिलेगा, ये कंपनी को मिलेगा, प्राइवेट कंपनी जो कोचिंग चला रही है। तो भाई ये मीना को थोड़ी, ऐसा थोड़ी होगा तुमने लैंड लीज किया लेकिन टेम्पल को नहीं किया। तो देखो यहाँ पे लिखता है सो बेनिफिट अटैच टू लैंड एंड इनकम फ्रॉम टेम्पल विल बी ऑफ टेक इंस्पिरेशन लिमिटेड। सो बेनिफिट जो भी आ रहा है वो क्या रहेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो पूरी की पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है लीज पे दी गई है कोचिंग क्लास वालों को, तो जो टेम्पल का जो प्रॉफिट आ रहा है वो टेक इंस्पिरेशन को ही मिलेगा। अब कहता है जो एम्प्लॉई अपॉइंटमेंट कमिटी, क्या वो टर्मिनेट कर सकती है लेटर देके, भले उनके पास कोई स्पेसिफिक क्लॉज ना हो ऑथराइजिंग इट फॉर टर्मिनेशन। तो आपको पता होगा, मैं अगेन आपका ध्यान एकाग्रित करता हूं, सेक्शन नंबर 16 के अंदर, सेक्शन 16 जनरल क्लॉजेस एक्ट का बोलता है कि अगर जब तक डिफरेंट इंटेंशन नहीं लिखता है, यानी कि जब तक ये बात साफ शब्दों में नहीं लिखती है कि भाई ये सिलेक्शन कमेटी का काम सिर्फ सेलेक्ट करने का है, निकालने का नहीं है, जब तक ऐसा अलग से नहीं लिखा है तब तक आप मान के चलना उस कमेटी को अगर अपॉइंट करने का पावर दिया है तो उसके अंदर इंक्लूड होगा सस्पेंड और डिसमिस करने का भी पावर, तो बिल्कुल वैलिड है, वो ऐसा कर सकते हैं। फिर मैं 13 पे जाता हूं, कहता है वेदर द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द नोटिस सेंट बाय पोस्ट बाय नितेश गुप्ता वुड बी टर्म्ड एज नॉट सर्विंग, आंसर इज नो। अगेन आप सेक्शन नंबर 27 पे गौर फरमाइएगा, 27 कहता है कि भाई अगर आपने नोटिस सर्व किया है पोस्ट से, माना जाएगा कि वो प्रॉपरली सर्व हुआ है अगर आपने प्रॉपरली एड्रेस किया है, प्रीपेड है और आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से किया, तो इन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट से भी किया था और प्रॉपरली एड्रेस था। तो भाई साहब नितेश आप बोलोगे कि मैंने रिफ्यूज कर दिया तो मुझे नोटिस सर्व नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पे थोड़े से अलग क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि अभी इसका कोई लेना देना नहीं ऊपर के क्वेश्चन से। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो 11 से 13 बस था, जैसा आप देख पा रहे हैं ऊपर की जो केस स्टडी थी वो 11 से 13 के लिए थी। अभी जो 14th वाला है ये फेवा के अंदर आ जाता है, कहता है देखो मिस्टर अमर है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो $60,000 अपने बेटे को भेजना चाहते हैं, उन्होंने जीता एक लॉटरी से पैसे जीते और $60,000 को अब यूएस भेजना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है अगर उसको रेमिट करना है, तो सीधी सी बात है दिमाग में जैसी आ रहा है लॉटरी विनिंग, तो ये आता है रूल नंबर 3 के अंदर रीड विद शेड्यूल 1 जो कि प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, तो सीधी सी बात है कैन नॉट रेमिट द सेड अमाउंट क्योंकि ये क्या है प्रोहिबिटेड है। अब प्रखर है एक इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो गिफ्ट देने के लिए बराबर है क्या ऑप्टेन करना चाहता है फॉरेन एक्सचेंज गिफ्ट देने के लिए, कितने का $50,000, तो बताइए कौन से ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। तो भाई सीधी सी बात है आपको पता होगा इंडिविजुअल के लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, ये गिफ्ट हो गया, पढ़ाई लिखाई के खर्चे हो गए, फॉरेन में मीटिंग के खर्चे हो गए, फॉरेन ट्रेवल हो गया, इसके लिए $250,000 तक आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, तो सीधा इसका आंसर ए आ जाएगा, प्रखर कैन फ्रीली रेमिट $50,000 फॉर द गिफ्ट एज इट इज अ करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ गिफ्ट रेमिटेंस इज लेस देन कितना $250,000, ठीक है सर। दैट्स ऑल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1A क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1A ठीक है, 1A कह रहा है द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। देखोगे तो आरटीपी पे भी पहला क्वेश्चन स्मॉल कंपनी का था, एमटीपी पे भी पहला क्वेश्चन किसका है स्मॉल कंपनी का, यानी कि आने की चांसेस है क्या। बाय द वे स्मॉल कंपनी बोल रहा है कि क्या बोल रहा है पता नहीं, हाँ स्मॉल कंपनी के ऊपर है, तो कौन सी कंपनी बोलो, रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी है रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है 50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख इक्विटी शेयर जो वोटिंग राइट कैरी कर रहे हैं 10 ईच, देयर इज नो चेंज इन द पेड अप शेयर कैपिटल देयर आफ्टर, टर्नओवर कितने का है 2 करोड़ का। फिर बताता है कि येलो लिमिटेड जो है जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो होल्ड कर रही कितना 2 लाख इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप ऑफ रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि 5 लाख जो किसका है रिजोल्यूशन का, उस पे 2 लाख कौन रखा हुआ है येलो। रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने फाइल किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेट ईयर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी,
एक्सक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सी कंपनी की बात कर रहा है, इस वाली कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं दिया है। आरओसी ने इशू किया नोटिस रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को कि भाई तुम फेल हो गए हो कैश फ्लो स्टेटमेंट देने के लिए, ठीक है, आपको एडवाइस करना है क्या रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को डीम स्मॉल कंपनी बोला जाएगा, वो सिग्निफिकेंट इक्विटी शेयर आर हेल्ड बाय पब्लिक कंपनी, बताइए क्या रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को स्मॉल कंपनी बोला जाएगा जबकि उसका 200,000 इक्विटी शेयर किसने रखा हुआ है, येल्लो लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, तो क्या उसको नहीं बोला जाएगा? तो कहता है रिजोल्यूशन प्राइवेट कंपनी को क्या स्मॉल कंपनी माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सब्सिडरी बन गई है। इतने बैल हो तुम लोग कि सिर्फ 200,000 रुपए में तुमने उसको सब्सिडरी बना दिया, 500,000 का शेयर है रिजोल्यूशन का, उसमें से येल्लो ने कितना लिया है, 200,000, 200,000 में बन जाएगा कि 250,000 के ऊपर चाहिए, तो कहां जी रहे हो, क्वेश्चन पढ़ो पूरा ढंग से, ये आता हुआ क्वेश्चन तुम निपटा दोगे अपने जीवन से। तो सब्सिडरी नहीं है तो क्या स्मॉल कंपनी माना जाएगा, द आंसर इज यस, पूछो क्यों, क्योंकि भाई पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 50, टर्नओवर कितना है, 2, और सब्सिडरी वो है नहीं, यानी कि क्या है, स्मॉल कंपनी, समझ में आ रही बात। फिर अपने को कहता है क्या रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कतई भी नहीं, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपीसी स्मॉल कंपनी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, बराबर है, क्लैरिटी आ रही है? तो भाई जस्ट बिकॉज ये बता दिया कि 200,000 रुपए का 2 का इक्विटी शेयर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्या बन जाएगी, सब्सिडरी, सब्सिडरी के लिए क्या चाहिए, मोर देन हाफ, क्लियर है? चलिए आभा जी कहां ध्यान है आपका, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बताओ तो, पहला किसका है, हाँ एमटीपी का है, बट एमटीपी में किसके लिए, कौन सी कंपनी चल रही, प्राइवेट पब्लिक, कौन सी स्मॉल कंपनी चल रही, ध्यान दे बेटा, चलो ध्यान दो फटाफट, सेकंड वाले में आओ, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, पैसिफिक लिमिटेड, कौन सी लिमिटेड, पैसिफिक लिमिटेड, नेटवर्थ कितना है बोलो, 100, टर्नओवर कितना है बोलो, 500, नेट प्रॉफिट कितना है बोलो, 1 करोड़, बरोबर। अब आपको बताता है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन क्या पैसिफिक लिमिटेड को कॉन्स्टिट्यूट करना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23-24, सीधा सरल शब्दों में बोलो कि 23-24 के लिए कि क्या इनको सीएसआर कमिटी बनानी है क्या, तो 22-23 देखेंगे, 22-23 में क्या इनका नेट प्रॉफिट जा रहा है क्या, नेटवर्क कितना है 100 करोड़, टर्नओवर कितना है 500, नेट प्रॉफिट कितना है 1, सीएसआर कब लगता है, जब नेटवर्क होता है कितना 500, टर्नओवर होता है कितना 1000, नेट प्रॉफिट होता है कितना 1 करोड़, तो क्या कहीं कुछ 5 करोड़, तो कुछ हिसाब किताब बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है, तो सीएसआर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पक्की बात है क्या। चलिए फिर स्मार्ट लिमिटेड है, डिक्लेयर डिविडेंड हेल्ड ऑन दिस, ये तो हुआ हुआ है कि देखो शेयर होल्डर ने पोस्ट किया डिविडेंड वारंट पोस्ट किया 22 को, लेकिन उसको मिला कब, 5 तारीख को, डिविडेंड डिक्लेयर कब हुआ बोलो, 31-7, यहां से 30 दिन के अंदर वारंट पोस्ट करना है, तो क्या पोस्ट हो चुका है, हाँ। अब कहता है कि पोस्ट हो गया था लेकिन सामने वाले को मिला कब है, 5, हमको ये नहीं लेना देना कि तेरे को मिला कब है, हमको लेना देना है कि हमने पोस्ट कब किया, 30 दिन में पोस्ट हो गया था, डन, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता ये कंपनी के खिलाफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1D पे आते हैं, 1D कहता है कि भाई प्रवेश है एक इंडियन नेशनल है जो चाहता है कि भाई मैं फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहता हूँ फॉलोइंग पर्पस के लिए, पहला US डॉलर 140,000 चाहता है फॉर स्टडीज अब्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट गिवन बाय द फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगेन दोस्तों एक ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के साथ साथ ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के साथ साथ अगर आप अब्रॉड में स्टडीज करने के लिए कुछ विड्रॉल चाहते हो, तो सबसे पहले तो LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के हिसाब से US डॉलर 250,000 डॉलर तक तो कोई भी अप्रूवल नहीं, एंड इवन 250,000 डॉलर को भी आप एक्सीड कर सकते हो अगर आप स्टडी अब्रॉड करने चाह रहे हो, तो आपने एस्टिमेट दिखा दिया अपनी यूनिवर्सिटी का, तो इवन 250,000 डॉलर के बाद भी अगर आपको कुछ विड्रॉल चाहिए, तो बस आपको अपनी यूनिवर्सिटी का एक एस्टिमेट प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, आप बिना RBI के अप्रूवल के 250,000 के ऊपर का विड्रॉल कर सकते हो।
ये आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल्स को जो लिमिट दी है उसके अंदर आता है। फिर आता है यूएस डॉलर है 10,000 फॉर रेमिटेंस टुवर्ड हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर। अब ये रूल नंबर 4 पे बैठता है, रीड विद स्केड्यूल नंबर 2, जिसपे आपको बोलता है कि आपको सीजी की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। तो देखो रूल नंबर 4 रीड विद स्केड्यूल नंबर 2, परमिसिबल कमर्शियल ट्रांजेक्शन ट्रांसपॉन्डर का हायरिंग चार्जेस पे करना है तो आपको किसकी अप्रूवल लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लगेगी। तो आप इसके आंसर अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा है एक्सीड करके भी आप ले सकते हो एस्टिमेट के बेसिस पे, और यहाँ पे जो प्रवेश है 1,40,000 ले सकता है, परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लगेगी, अप्रूवल लगेगी। ठीक है दोस्तों, सेकेंड में आते हैं कोरम की बात कर रहे हैं। तो कोरम तो आपको पता ही है कि क्या होता है, इवन ये वाला भी हो गया अपना कि बायबैक अगर आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो बायबैक, तो कहता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आप बायबैक का ऑफर नहीं करोगे, नहीं, ये कितना है साल भर, 6 महीने की रिक्वायरमेंट, इसलिए कि आप प्रोहिबिटेड रहोगे सेम काइंड ऑफ शेयर्स के लिए, लेकिन साल भर की है, तो ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर अपने पास कौन आता है, क्वेश्चन 2C में आते हैं दोस्तों। 2C अपने को कहता है रचित है, रचित ने परचेस किया एक हाउस एंड आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू हिज न्यू हाउस। रचित है परचेस किया नया घर, कुछ समय बाद शिफ्ट कर गया नए घर पे, अब वो रेगुलरली फाइल कर रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, बट ही डिड नॉट अपडेट हिज एड्रेस, अपडेट नहीं करता एड्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट अ शो कॉज नोटिस टू मिस्टर रचित वेयर बाय द टाइम लिमिट फॉर रिप्लाई वॉज 15 डेज। भाई उसको शो कॉज नोटिस दिया गया, 15 दिन में रिप्लाई करना था। नोटिस वॉज प्रॉपरली सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू हिज एड्रेस विच वॉज इन द रिकॉर्ड ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नोटिस रीच एट ओल्ड हाउस, और जो प्रेजेंट ओनर है उस हाउस का वो रिफ्यूज कर दिया टू एक्सेप्ट द नोटिस। पुराने घर में गया तो अभी जो उसका मालिक था उसने रिफ्यूज कर दिया। कुछ समय के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैनल एक्शन लिया इसके खिलाफ, रचित के खिलाफ। He requested the department that he should not be charged as he did not receive the said notice. उसने request किया कि भाई मेरे को penal action मतलब मुझे notice ही नहीं मिला। Advise करिए whether sending of the show cause notice by the income tax department would be considered proper service of notice। ये आपको जवाब देना general clauses act के हिसाब से। तो यारो बार 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 एक ही चीज पे institute question पूछता है section number 27 के ऊपर कि भाई अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है, प्रॉपरली स्टाम्प्ड है, प्रॉपरली एड्रेस्ड है, बराबर, तो प्री पे करके भेजा तो इसको एक वैलिड नोटिस सर्व माना जाएगा। इस पे केस लॉ भी आता है जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह, जो कहता है कि देखो नोटिस सेंड तो हुआ था लैंडलॉर्ड को बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड द सेम इज रिटर्न बाय द टेनेंट विथ एन एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल, कि भाई आपने नोटिस भेजा लेकिन टेनेंट जो है, जो किराएदार है, उसने रिफ्यूजल का एंडोर्समेंट करके वापस भेज दिया, फिर भी माना जाएगा कि नोटिस क्या हुआ सर। तो यहाँ पे भी लगभग वैसे ही चीज है, पुराना घर आप था, आपने किसी को भेज दिया, तो अब जो नया ओनर है वो रिफ्यूजल करके भेज दिया कि भाई ये अब यहाँ पे रहता नहीं करके, तो इसको भी माना जाएगा नोटिस सर हुआ। और यहाँ पे ड्यूटी मानी जाएगी इस व्यक्ति की, यहाँ पे ड्यूटी मानी जाएगी रचित की कि भाई तुझे अपना एड्रेस अपडेट करवाना रहेगा, क्योंकि ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि आपका जब भी एड्रेस चेंज हो रहा है तो आपको इसका अपडेट करवा के लेना है। तो ये रचित की गलती मानी जाएगी और उसके ऊपर पैनल एक्शन तो बिल्कुल होगा। फिर कहता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए प्रोविजन बताओ, तो सेक्शन नंबर 20 रखता है इसके अंदर इनकमिंग और आउटगोइंग, 21 के अंदर कंपनी को है, और 22 के अंदर अगर कंपनी रजिस्ट्रार और किसको देना चाहती है, ROC को, बरोबर है। फिर उसके बाद ये प्रमोटर वाली बात है, अनसिक्योर्ड लोन लाता है क्योंकि लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उनको क्या लगाई है शर्त, तो भाई इसको डिपॉजिट मानना नहीं है। डी वाला बात करता है डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जो अपन ने 134 के अंदर पढ़ा था कि डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, उसमें से कोई सी 4 बातें बतानी है, बरोबर है। चलिए आते हैं, अब ये कुछ नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मोहन है और कौन है, रकुल, ये कॉलेज फ्रेंड्स है, क्या है ये इरादा रखते हैं कि ये ट्रेड करना चाहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, किस पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, और उन्होंने जॉन और केट के साथ मुलाकात की है, जो कि क्या है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। दे ऑल हैव डिसाइडेड टू फॉर्म अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ मोहन जॉन LLP। इनिशियल कैपिटल कितना लगाना चाहते हैं, 1,00,000 ईच। LLP इनकॉर्पोरेट हुई है कब, अक्टूबर 15, 2020 को,
एलएलपी अपॉइंट करना चाहती किसको, जॉन को और केट को एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, और कंपनी सेक्रेटरी से कंसल्ट कर रहे कि क्या जॉन और केट को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं क्या। बरोबर प्रदीप, हाँ हाँ कर रहा है, नहीं बना सकते हैं जॉन और केट को क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, नॉन रेसिडेंट। बना किसको सकते हैं वो, एक तो कोई रेसिडेंट होना चाहिए। आप जॉन या रकेट में से किसी को एक को ले लो, डीपी बना दो, लेकिन एक तो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, पक्की बात है। फिफ्थ ए में जाइएगा तो फिफ्थ ए में कहता है कि एलएलपी एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए तो वही घुमा फिरा के लिखना है अपने को। और ये ऑडिटर की बात कर रहा है, इसको हम बोल साइन ऑलरेडी कर चुके हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया और एसआर पास कर लिया, सीजी से अप्रूवल के बिना रिमूव कर दिया, तो आप ऑडिटर को सीजी के अप्रूवल के बिना रिमूव नहीं कर सकते। बरोबर है क्या? इस वाला फ्लोटिंग चार्ज याद आ रहा है जो कि स्टॉक इन ट्रेड के अंदर होता है, रॉ मटेरियल के ऊपर होता है, जो फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग का मतलब कंपनी उसको बेच भी सकती है, कम ज्यादा होगा। फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये क्या होता है, फिक्स चार्ज। अबे याद आ रहा है फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, और फ्लोटिंग चार्ज क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगर कंपनी का धंधा बंद हो रहा है, कंपनी ने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, तो फ्लोटिंग क्या हो जाएगा, फिक्स। तो ये रॉ मटेरियल पे रहता है। उसके बाद मैं नीचे चलता हूं तो कहता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की लिमिट बताओ, 9 महीने। बरोबर है क्या? यहाँ पे कहता है अपने को कि देखो एक कंपनी है जो कि सिंगापुर की है, वो ऑपरेट करना चाहती कहाँ पे, कोलकाता में। तो कंपनी आपसे पूछ रही कि क्या क्या रेलिवेंट प्रोविजन आपको पालन करने पड़ेंगे, प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस पे लगेगा सेक्शन नंबर 381, आपको बैलेंस शीट बताना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसको ऑडिट करवाना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, ये सब आपको FC3 के अंदर 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आपको देना पड़ेगा, किसको, ROC को। और साथ में दोगे लिस्ट ऑफ ऑल द बिजनेस जो आप इंडिया में कर रहे हो, याद आ रहा है कुछ? ठीक, फिर ये वाला। अब दोस्तों इस MTP का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सी, कहता है देखो प्रभा एक क्लासिकल डांसर है भरतनाट्यम की, wants to go to USA for a performance। ये देखते ही आपको समझ में आ गया होगा ये कल्चरल टूल्स है। रूल नंबर 4, रीड विद स्केड्यूल 2, परमिसिबल कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि प्रायर अप्रूवल लगती किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इस कनेक्शन में उसको $50,000 चाहिए। एक्सप्लेन करिए मिस प्रभा को कि भाई क्या फॉरेन एक्सचेंज के प्रोविजन लगेंगे इसके लिए। तो भाई सीधी सी बात है, आपको इसके लिए ऑथराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा, उसके पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका रूल नंबर 4 रीड विद स्केड्यूल 2 के अंदर आ रहा है। परमिसेबल है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, बट प्रायर अप्रूवल लगेगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। दैट्स ऑल दोस्तों, ये आपको MTP RTP कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये MTP RTP अगर आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से नहीं मिलती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको अवेल कर सकते हो, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल CS अर्जुन छाबड़ा में फॉलो करना ना भूलें। मैं टाइम टाइम में जो भी वीडियो लॉन्च करने वाला रहता हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे मैं पहले से अपडेट कर देता हूँ ताकि अगर आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आए तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपको अपडेट मिल जाए। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा ये सेशन, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमको फीडबैक मिलता है कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, और मोटिवेशन अलग मिलता है कि और कौन कौन से एंगल पे कितने बेहतर तरीके से आपके लिए कुछ हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। सरप्राइजेज अभी खत्म नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। टेक केयर, बाय बाय।